हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओ भाई ये सब हटा दो, ये इसमें लगाना है, इस टाइम ये मैं कर लेता हूँ, तुम ये हटा लो। अच्छी परमवरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरे तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश्चन कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यभक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसनी गौर भक्त वृंद सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। मेरे से ज़्यादा जोर से बोल सकते हो वैसे चाहो तो हरे Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Ram ek baar phir bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Ram Hare Hare। वैसे जोर से बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, अपना गला ही खराब हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कहते थे आसपास के पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े वो भी सुन लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। आज सुबह पूज्यपाद माधव महाराज बोल रहे थे ये वैष्णव का धर्म है दूसरों का कल्याण करें। महाप्रभु जी ने कहा है भारत भूमि दे जन्म हई ले जा जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। तो भैया सार्थक तो जीवन हुआ नहीं है, पर उपकार क्या करेंगे कीड़े मकोड़ों का। तो गुरुदेव ने डांट लगा दी। तो अब पहले अपना कल्याण करेंगे,
फिर कीड़े मकौड़ों का कल्याण करना है। या आपका दोनों का है, इतना महान गुरु को प्राप्त किया अजगर साधु, ये कह रहे हैं इतने बड़े गुरु को प्राप्त किया, मुझे ये नहीं समझ आती है कि गुरु ने मुझे प्राप्त किया या मैंने गुरु को प्राप्त किया। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं गुरु को प्राप्त कर सकूँ। खैर आज हम जो गुरुदेव का शतवार्षिक उत्सव मना रहे हैं यहाँ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में, वो भी श्री रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में। तिरुभाव, श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव, ये 3-4 दिन की सभा जो 35 साल पहले हमारे गुरुदेव ने स्थापित की थी, उसी सभा में उनका शतवार्षिक महोत्सव, उनके गुरु भ्राता दोनों गुरु भाइयों का 7-7 शतवार्षिक महोत्सव, और इधर रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव, ये बड़ी महिमा की चीज़ है। बड़ी सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण पावनकारी चीज़ें हैं। अगर हमारा वास्तव में इसमें रुझान हो जाए, आवेश आ जाए, तो बड़ा लाभ हो सकता है। हम लोग 3 दिन से तरह तरह की कथाएं सुन रहे हैं, आज हम अपने गुरु महाराज जी की महिमा सुनेंगे, दोनों गुरु भ्राता की महिमा सुनेंगे। अब महिमा सुन के हम उनके भाव में डूबने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला मेरे पास, अच्छा ये है, पूज्य बाद भक्ति वेदांत शांत महाराज, दिल्ली से रमन बिहारी गौड़िया मठ से प्रारंभ हम करते हैं। महाराज जी मेरे से संचालन करा रहे हैं, मुझे चलना तक नहीं आता। मैंने तो माधव महाराज जी को कहा था आप शुरू करो, मैं लड़खड़ाता, डगमगाता, गिरता पड़ता संचालन करूँगा, इतनी ही मेरी हैसियत है। हरे कृष्णा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सिंहासन गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्तिदान बाबू गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण कमल अनंत गति दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात बताया कि जन्म शतवार्षिकी उत्सव आप सब जानते हैं, लेकिन गुरुदेव गुरु जो है भगवान कृष्ण ही खुद गुरु, चैतन्य महाप्रभु गुरु है। श्रीमद् भागवत गीता ने कहा वासुदेव सुतम वंदे वंश चानन वर्दनम देवकिं परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान खुद गुरु हैं। तो मैं ये श्रीमद् भागवत जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुई थी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उसी कुरुक्षेत्र में वहाँ पे गुरु थे अस्त्र गुरु है ना, भीष्म जी गुरु ही हैं और भगवान कृष्ण जी, लेकिन गुरु तो है ना 3-4 प्रकार गुरु थे वहाँ जिनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु है। लेकिन अर्जुन ने ये श्रेष्ठ कृष्ण की बात को मानी,
क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है रजगुण तमगुण एवं सतगुण से परे है ना, इसीलिए रजगुणी गुरु तमगुणी गुरु सतगुणी गुरु को त्याग करके जो भगवान कृष्ण के फलवास है, श्री चैतन्य महाप्रभु के फलवास है, उन्हीं गुरु के शरण में आना ही होगा। जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अब उसमें रूप गोस्वामी जी रूपगान रूपानुग धारा में हमारे गुरुवर को, इसलिए लोग कहते हैं भाई गुरु त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन भागवत में फिर बोली महाराज गुरु को त्याग क्यों किया था? इसलिए इस ध्यान को हमें दूर करना चाहिए। और ऐसे जो गुरुदेव श्री गौरांग गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे परम पूज्य भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी सुंदर रूप से बता रहे थे जो गुरु जी का प्यार करते, क्योंकि वैष्णव का गुण जो है ना, उनकी अपराकृत गुणावली है। 26 गुण बोलने से गुण पूरा नहीं हो बोल पाता। कृष्ण के गुण जितने हैं वही गुण भक्तों के अंदर संचारित करते हैं, वही गुण जो है भगवान संचारित करते हैं। क्योंकि जिनको हम जिनकी सेवा करते हैं उन्हीं की गुण संचारित है। अनंत कोटि गुणां कृष्ण नित्य सिंध गुणवत, ये शास्त्र में कह रहे। इसलिए गुरुदेव के गुरु महाराज को जो हमने आश्रय किया है, उनकी कृपा प्राप्त किया है, लेकिन अभी पूरी नहीं किया, क्योंकि भक्ति करते समय थोड़ी सी रूप गोस्वामी की बात जांच कर देता हूँ। दो बात आएगी आपको, एक तो वैष्णव अपराध, दूसरा है उपसंहार। माली होकर के भक्तगण खुद माली होकर के श्रद्धालु की बीज को या गुरु के दिया हुआ मंत्र को जब बीज लगाते हैं हृदय में, तो श्रवण कीर्तन नित्य श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, वो बीज आगे बढ़ जाते हैं, है ना, पौधा होकर के है ना, ब्रह्मलोक आदि छोड़ करके गुरु वृंदावन में पहुँचते। लेकिन बीज में महाप्रभु लोकोशन को शिक्षा दे रहे जो वो क्या क्या हो सकता है। एक तो वैष्णव अपराध का डर है, वैष्णव अपराध होने से हमारी भक्ति है। दूसरी बात आगाछा जो होता है उपशाखा, कोई पौधा वा घर में लगाते हैं जमीन पे तो देखो आगाछा आ जाता है और भी पेड़ पौधा बीज में, उसको सफाई नहीं करेंगे तो हमारे मूल चीज के जो बीज लगाए वो होगा ही बढ़ेगा। तो उपशाखा क्या है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जी भिंसन, ये सब चीज आती है, हमने देखा हमारे जीवन में देखा। तो ये सब चीज को जो है जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत में रहेंगे तो ये सब चीज हमें क्या करेंगे, सावधान करेंगे। अगर जब हम अनुगत किसी के नहीं रहेंगे तो भाई हमारा पतन होना ही। इससे एक ए टू जेड जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में गुरु गोस्वामी को ये शिक्षा दी है, केवल रूप जी के रूप के लिए नहीं हम सब लोग, क्योंकि साधन अवस्था में ही खतरा है, साधन जब पूरी हो जाती है तब उतना खतरा नहीं। तो इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने नित्य निरंतर कथा भी श्रवण करवाते थे, और जब शुरू में जब हम आए हैं मठ में तो देवानंद गौड़ी मठ में आए तो हम तीनों महापुरुष को दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, श्री गौरांग गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी, तो वो भी हमारी छवि जो है अभी भी आंखों के सामने दिखता है। तीनों जो देवानंद गौड़ी मठ में बैठ के ऐसे जैसे महाराज में बैठे हैं, बैठ कर तो हरी कथा होता और पिन ड्रॉप्स आए और देखो तीनों महापुरुषों ने कैसे एक होकर के श्री महा परम गुरु महाराज का अभिष्ट को पूरा किया।
तीनों शरीर एक ही आत्मा होकर के और वहाँ परम गुरुदेव के उन्होंने अभिष्ट पूरी की और जिसके कारण आज वेदांत समिति वेदांत ट्रस्ट GBS की जो भी है कितने मॉड्यूल आगे भी बने। इसलिए इससे हमारी शिक्षा ये है, इन गुरुवर्गों ने इतनी सेवा किया है ना, प्रेस से लेकर के पत्रिका का काम लेकर के ग्रंथ प्रणायन मठ मंदिर के वैष्णव की सेवा है ना, ठाकुर जी की सेवा, गुरु जी की सेवा है ना, ये सब क्यों किया? एकमात्र देखो उनका भौतिक चिंतन करने का समय भी नहीं मिला। अब जीवनी पढ़िए सब छाप चुका है पत्रिका देखी है, समय संक्षेप है, हर बात की इतना लंबा हमला भी समय नहीं। तो देखो ये सब सभा कीर्तन करके कहने का मतलब क्या है, ये सब धर्म सभा इसीलिए बुलाया जाता है ताकि हम श्रवण कीर्तन करें, हमारे अंदर जो कलमस है, जो पाप है, अपराध है, उससे सावधान है ना, इसलिए बुलाया जाता है, ना तो और कोई फायदा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बात बोल दो और जो करना है हमको वही करना है, तो फिर ये बेकार। इसलिए हमेशा गुरुवर्गों की स्मरण करने से और निष्कपट रूप में भजन करने से गुरुवर्ग आज भी आपको क्या करेंगे, आज भी उपदेश देंगे, आप आज भी बच्चा भी शिष्य भी कभी कर। इसलिए गुरुवर्ग जो साधारण महापुरुष नहीं है, और गुरु महाराज जो महापुरुष है, एक तो मैं धर्म देता हूँ, देवानंद गौड़ी मठ में पुजारी जी ने एक बार वो जला हुआ चावल को भोग लगाया, राधा रानी सपने में आकर के कहा देखो तुम्हारे पुजारी ऐसे, मैं दो तीन दिन से भोग नहीं ले, क्योंकि चावल जब नीचे जल जाते काले पड़ जाते वो जला हुआ चावल आमिष माना जाता है, भोग नहीं लगता। फिर गुरु महाराज ने कृष्ण कृपा प्रभु जो हमारे काका गुरु हैं वरिष्ठ मान उनको बुला के फिर पुजारी बदल के फिर उन्होंने शासन किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे नीलाचल गौड़ी मठ में भी छोटा गोपीनाथ की कथा प्रसंग आप लोग जानते है ना, गोपीनाथ जी खुद ही बोलते हैं कि नीलाचल गौड़ी मठ के जो विनोद बिहारी जी हैं, नया नया ड्रेस पहनेंगे और मैं तो फटा हुआ कपड़ा पहन के रखा। दोनों गुरु महाराज को सपन सपना देश के, इसीलिए ठाकुर जी का सपना झूठ नहीं। तो इतनी होने के बावजूद भी अगर गुरु ने विश्वास नहीं हुआ तो हम बड़ा दुर्भाग्य। मैं जब मथुरा में था गुरु जी ने मुझे पूजा पुजारी सेवा दिया तो उन्होंने मैं लेक्चर में बोला, मुझे मैं याद बोलता है मेरी सिद्धि मथुरा ये सब जी गौड़े मठ में हुई और मैं मथुरा छोड़ के कोई नहीं जाऊँ, और जिनको मेरे विश्वास नहीं है ऐसे कह रहे तो वो शिष्य मुझे छोड़ नहीं जा सकते। तब बताइए सदगुरु के अंदर कितनी मतलब ये होने से वो बोल सकते हैं। ऐसे गुरु को पा करके लोग जिनका नाम लेकर वो पवित्र हो जाते हैं, जिनकी नाम स्मरण करके कीर्तन करके उनकी महिमा, इतनी महिमा है, हजारों भक्ता है, भक्ता है फिर भी है ना, फिर भी कथा समाप्त नहीं होती। तो ऐसे जो गुरुवर्ग हैं हमारे कल्याण के लिए निरंतर लगे हुए हैं, हमारे कल्याण कर रहे हैं, कल्याण चाहते हैं, इसीलिए केवल क्या करना है, गुरु के चरण में जाकर के हाथ खड़े करना है, गुरु जी मैं तो आपके सिवा हूं। इसीलिए शरणागत पालक, भगवान शरणागत पालक है तो गुरु भी शरणागत। इसलिए इस वैष्णव गुरु उनके अंदर अनंत महिमा है, गुरुवर्गों ने इस प्रकार शुद्ध भक्ति प्रचार जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु ने जो आदेश दिया था वो आदेश छोड़ गोस्वामी को दिया, और हमारे सभापति गोविंद महाराज जी बता रहे थे लुप्त तीर्थोद्धार वैष्णव सदाचार ग्रंथ प्रणयन और विग्रह प्रकाश, ये सब ये गोस्वामी लोगों के धारा में हमारे गुरुवर्ग ने भी बाबुल श्री बाबू गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए उन लोगों की हम चिर ऋणी हैं और गुरुवर्गों की सेवा कर सकें
और निरंतर उनके हमारा उनके दिन विनय होकर के सेवा करें, अपराध शून्य होकर के परिणाम दें और गुरुवर्गों की यही इच्छा है। एकमात्र हम पूरा जीवन हम अपनी इच्छा से चलते हैं, है ना, चौरासी लाख दुनिया हम अपनी इच्छा से मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने ये केवल सुधारने के लिए। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कपिल देव के संदर्भ में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भागवत नहीं मानते तो हमारा भक्ति। इसीलिए भाई गुरु महाराज ने जो सेवा में लगाया इसलिए पूरा विश्वास करके एक जन्म सरस्वती प्रभुपाद कह रहे हैं, एक जन्म ऐसे भक्ति करके बताइए, मेरे गुरु महाराज की कृपा जरूर करेंगे और भक्ति में जरूर आगे बढ़ेंगे, ये कह करके मैं कथा के विश्राम दे रहा हूँ। पंचापुरुष देखो वैष्णव लोग चारा डाल वेट करते हैं, एक जन्म बस बिता दो भक्ति में, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। मतलब तो ये अगर कोई एक जन्म भक्ति में बिता देगा तो बाकी जन्म वो तो अपने अगली ये कह ऐसे रहे हैं जैसे एक जन्म बिता दो अगली बार तुम मर्जी से भोग कर लेना। मैं अपने स्वभाव के अनुसार एक बार गुरुदेव को बोला, एक कविता लिख के दो लाइनें, और उस समय पूनम भी वहीं पर थी, शालीमार बाग की बात है। गुरुदेव या तो भोगों से मन उचाट करो या भोगों सहित भक्ति अलॉट करो, या तो भोगों से मन उचाट करो, उचाट का मतलब है विरक्त कर दो, या तो भोगों से मन उचाट करो और या फिर भोगों सहित भक्ति अलॉट करो। और गुरुदेव सुन के अंदर घुस गए, मुस्कुराए भी नहीं, और पूनम पीछे पीछे गई, महाराज देखो कितनी अच्छी बात ही बोलते, क्या अच्छी बात कही, ये भोगों की संग भक्ति मांग रहा है, मैं नहीं दे सकता। हम लोग गुरुदेव के बारे में सुनते हैं ना, वैष्णव के बारे में सुनते हैं, इट इज़ इक्वल टू मीट हिम, उनसे मुलाकात करना, उनसे उनका संग करना। संग वाला जो हमको प्रभाव मिलता है वो उनके बारे में सुनने से मिल जाता है। तो सुनते रहिए, पर सुनेंगे तो तब जब कोई कहता रहे। तो कहने के लिए मैं विपिन बिहारी जी को, फरीदाबाद वाले जी को बुलाता हूँ, विपिन बिहारी। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से गोस्वामी भी इसके आगे निकल रहा है। जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भगवताय नमो नमः। सर पदम अपने बलि गुरु पाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्री विष्णु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात अभिन्न गुरु पाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्री विष्णु भक्ति विज्ञान गार्गी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूजनीय श्रीमद् भक्तिविनायक माधव महाराज जी और अन्य अन्य सन्यासी वृंद और सभी वैष्णव जन मातृवृंद श्रोतृवृंद हरि कथा के पास सबको मैंने अपने अपने बनाए। हरे कृष्ण। पिछले कुछ दिनों से हम श्री गुरु स्वामी पाद की महिमा के विषय में श्रवण कर रहे हैं। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी एक समय श्री भगवत किशोर दास बाबा जी महाराज जी के समाधि पर उपस्थित थे
और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर श्रील बाबा जी महाराज जी की हम महिमा गाएंगे तो उसमें समस्त रूपानुकूलवरों की महिमा अपने आप ही अंतर्भुक्त हो जाती है। उसी प्रकार से ही पिछले तीन दिवस से या पिछले चार दिवस से यह विद्वत मंडली, यह जितने भी रसिक जन हैं, अपने हृदय के उद्गार को, अपने हृदय के भावों को समस्त श्रोताओं के कर्णेंद्रियों के माध्यम से उनके अंतःकरण में पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। यह गुरुपाद पद्म की जो विशेष महिमा थी, जिनका के यहाँ उपस्थित सभी सन्यासी वृंद ने, सभी भक्तों ने, सभी सेवकों ने उनका प्रत्यक्ष रूप से उसका दर्शन किया और साथ ही साथ उस अभूतपूर्व आदर्श को उन्होंने अपने नेत्रों से देखा और गुरुपाद पद्म की प्रेरणा प्राप्त होकर के उन्होंने उसी आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात किया। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए इस सभा में कहने का अधिकार वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष रूप से भी गुरुपाद पद्म से कोई वार्तालाप नहीं हुआ और ना ही उनके वचन मेरे मन में प्रवेश आज तक कर पाए। लेकिन फिर भी वैष्णव जन जो होते हैं वह अपने स्वभाव से बाधित होते हैं। उनका स्वभाव अवरुद्ध जो विचारधारा है कि अयोग्य व्यक्तियों को भी इस श्रीमद् महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त करना है, तो उसी ही श्रृंखला में शिला महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप कुछ गुरुपाद पद्म से संबंध, श्री रूप गोस्वामी पाद से संबंधित कुछ विचारों को जो है भक्तों के समक्ष जो है प्रस्तुत कीजिए और मेरी इस प्रस्तुति से गुरुपाद पद्म किंचित मात्र प्रसन्न हो, यहाँ वैष्णव वृंद वह सब उनके हृदय में भी मेरे लिए एक विशेष प्रकार की कृपा का उदय हो कि मैं भी रूप गोस्वामी पाद द्वारा प्रदान किए गए श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के सब शब्दों में कहा जाए तो टेंथ लोड टू सहजिया, जो सहजिया लोग हैं वह इस रूप गोस्वामी पाद के जितने भी पद्धति का क्रम है उसका व्यतिक्रम करके उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत प्रदान करके भक्ति के मार्ग को इतना सुंदर रूप से उसका संस्कार किया है कि अगर इसका कोई सही रूप से पालन करेगा तो अंततः गत्वा उनके विचार में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य हो जाएगा। श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, रूप गोस्वामी पाद के विषय में सुन रहे हैं, बहुत सी बातें जो है, बहुत से उनके विचार जो है वह मानस पटल पर स्पर्श तो करते हैं लेकिन हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते। मूलतः स्थिति का पालन कब होगा, ये चार दिवस समाप्त होने के पश्चात जब हम अपने अपने आलयों में प्रवेश करेंगे, जब हम एकांत में बैठेंगे तो इस तिथि का पालन करने का लाभ कितना हुआ, तभी वास्तविक रूप में समझ में आएगा कि श्रवण कितना हो पाया है। वास्तविक रूप में तिथि पालन तो हुई लेकिन उसके पश्चात उसका प्रभाव क्या हुआ, वही जो उससे ही जो है हमें तिथि पालन का वास्तविक परिचय हमें पता चल सकता है। गुरु जी से एक समय किसी ने बात पूछी कि आप संसार के हम जैसे पदित लोग जो कि केवल विषय की वार्ता में लिप्त है, जो अहम ममेती की धारणा में पूर्ण रूप से सिक्त है, जो केवल इस शरीर को ही अपना मान करके इसी के ही भरण पोषण में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों से आप किस प्रकार से वार्ता कर सकते हैं, मान उनका स्तर क्या है और हमारा स्तर क्या है, आप किस प्रकार से ऐसे जनों से वार्ता कर सकते हैं। गुरुपाद पद्म ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा अगर किसी माता का पुत्र किसी नाली में गिर जाता है तो माता क्या उस पुत्र को उसकी रक्षा के लिए और उसकी स्वच्छता के लिए क्या वो धावित नहीं होगी। माता ने देख लिया कि मेरा पुत्र जो है इस समय नाली में गिरा हुआ है तो माता स्वाभाविक रूप से धावित होगी उस पुत्र को उस गंदगी से निकाल करके उसको सुंदर रूप से परिष्कृत करने की। तो गुरुपाद पद्म का विचार बिल्कुल ऐसा ही है, वह जानते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, सर्वांतर्यामी है, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने इस उत्तम रस की बात कही क्योंकि वो बाध्य थे उत्तम रस की बात करने के लिए। रूप गोस्वामी पाद के शब्दों में कहा जाए कि अथापि मम किम न दूषण बत वृंदावन चक्रवर्ती हो, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि देखो मैं तो अत्यंत दुर्भागा हूँ, ये रूप गोस्वामी पाद के शब्द है जिन्होंने हमें शुद्ध भक्ति की व्याख्या दी, जिन्होंने हमें इस शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी
सहजिया भाव प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और कल परम पूजनीय श्री अच्युतानंद भट्ट जी ने एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से भक्ति का जो विवेचन किया, जैसे वो स्वयं इस बात को कह रहे थे कि आचार्य का कार्य क्या होता है विश्लेषण करना, और गुरुपाद पद्म की उन्होंने उस समय एक बात कही कि रूप गोस्वामी में श्री रूप मंजरी है, लेकिन रूप मंजरी में श्री रूप गोस्वामी नहीं है, जहां तक मेरे को समझ में आया। तो यह विश्लेषण केवल एक आचार्य कर सकता है। शास्त्र होते हुए भी शास्त्र का कौन सा शब्द हमारे मन की कौन सी स्थिति का व्याख्यान कर रहा है, जब तक ये आचार्य नहीं बताएगा तब तक हम शास्त्र से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो गुरुपाद पद्म जिस प्रकार से पात्र होकर के वह कहीं विदेश में एक बार कथा कह रहे थे, श्रीमद् भागवत सप्ताह कहते कहते प्रहलाद जी के चरित्र की बात कर रहे थे, और प्रहलाद जी के चरित्र की बात करते करते कुछ ही समय में वह श्री वृंदावन के इस सेवा कुंज में जहां पर श्री कृष्ण का नित्य केली विलास होता है यहां पर प्रवेश कर गए। वार्ता आरंभ हुई श्री प्रहलाद जी से, प्रवेश कर गई श्री वृंदावन के सेवा कुंज में, तो गुरु जी ने कहा ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शुरू तो करता हूँ कहीं से भी, लेकिन मेरे मन की गति जो है ना वह इसी सेवा कुंज पर आकर के स्थिर हो जाती है। कहीं से भी आरंभ करेंगे, क्यों? क्योंकि गुरुपाद पद्म प्रत्येक तिथि में श्री रूप गोस्वामी पाद का अनुसंधान करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी होगी तो वहां पर भी रूप गोस्वामी पाद की परिपूर्ण रूप से उपस्थिति श्री गुरुपाद पद्म उसका अनुभव करते थे। मेरे लिए यह तिथि आज समाप्त होगी, अब जन्माष्टमी आएगी तो रूप गोस्वामी पाद का विचार जो है उस पलायन हो जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी भी आएगी तो गुरुपाद पद्म जन्माष्टमी पर भी श्री रूप गोस्वामी पाद के विचार को स्थापित करेंगे। राधा अष्टमी आएगी तो उस पर भी स्थापित करेंगे, क्योंकि उनकी उनके मन की गति कहाँ है, उनका जो चित्त है वह कहाँ विचरण कर रहा है, उनका चित्र जो है वह श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा प्रदान की गई इस भजन प्रणाली में विचरण कर रहा है, और साथ ही साथ समस्त विश्व को उसको देने के लिए उनका चित्त आतुर है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ श्री उत्कंडिका वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, बड़े सुंदर श्लोकों के साथ उन्होंने अपने हृदय को जगत के समक्ष है उसको बताया है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, देखो प्रपत्ति वृंदावन मध्य एकम कोशत्र सात्वक उत्कंडिका कुलात्मा उद्घाट्यामी ज्वलंत कठोरा बाष्पस्य हृदा बाष्पस्य मुद्रा हृदि मुद्रितस्य। मैं श्री वृंदावन में निवास कर रहा हूं, उस वृंदावन में निवास करके उस वृंदावन से मुझको विर है, वृंदावन में रहकर के श्री वृंदावन से विरे ही वास्तविक रूप में श्री वृंदावन निवास है। वृंदावन में रहकर के श्री वृंदावन से विरे होना, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस वृंदावन में रहकर के जो विरे संतप्त हृदय है मेरा, ये मेरा विरे संतप्त हृदय से मेरे अंतःकरण में जो अश्रु, मेरे अंतःकरण में जो आंसू उदय हुए हैं, इन अश्रुओं ने मेरे हृदय में एक मुद्रा, एक छाप, एक स्टैंप जो है बना दी है, और उसी स्टैंप को जो है मैं आप सबके समक्ष है उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। त्वां चा वल्लभ पुरंदर आत्मजः, त्वां चा गोकुल वरिं नंदिनी, एषा मूर्धनि रचिता अंजलि अनभिक्षते किमपि दुर्भोजना। कह रहे हैं मैं तो बहुत दुर्भागा हूँ, श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, और गुरु जी भी इस विषय में बहुत कहा करते थे, उनके लेक्चर सुनिए तो एक स्थान के मथुरा में कह रहे हैं कि जैसा साधन श्री रूप गोस्वामी पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने किया वैसा साधन हमारा तो नहीं बन पाया। ये दैन्य है, अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के पश्चात जो दैन्य उदय होता है, जैसे कल श्री अच्युतानंद भट्ट जी ने संशोधन भी किया इस बात को कि आप कृपा करिए इसके पीछे हम साधन से पलायन नहीं कर सकते हैं, साधन करते 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 यह बात समझ में आ जाए कि मेरे साधन से नहीं होगा, तब वास्तविक रूप में दैन्य की उपस्थिति होती है। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हे वल्लभ पुरंदर आत्मजः श्री कृष्ण, हे गोकुल वरिं नंदिनी, हे विश्वानंदिनी, हे उनको दोनों को प्रार्थना करते हुए कहते हैं हाथ जोड़ कर, कैसे हाथ जोड़ कर, देखिए उनकी शैली देखिए। श्री ध्रुव महाराज जी ने श्री भागवतम में एक बात कही, सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए गई के कृतांजलि ब्रह्म एन कंबुना स्पर्श बाल कृपया कबूले। श्री उन्होंने हाथ जोड़े जब भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए तो ध्रुव महाराज जी के जो हाथ जो थे, जो अंजलि थी जो उनके हाथ थे वो उनके हृदय को स्पर्श कर रहे थे इस प्रकार से जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी पाद की अब
आतुरता देखिए, रूपु स्वामी पाद का विचार देखिए, कह रहे त्वाम सा बल्लभ पुरंदर आत्मज त्वाम सा गोकुल वृंदनंदिनी हे विश्वानंदिनी राधे हे श्री कृष्ण ऐसा मूर्धनी, मैं हाथों को छोड़ करके कहा रखता हूँ अपने हृदय पर नहीं, मैं हाथों को छोड़ता हूँ अपने मस्तक पर रखता हूँ। मानो इतनी आतुरता से इतने विरह संतप्त होकर के कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ सभा में जाकर के, मैं स्वयं को इस बात को आज मैं पढ़ रहा था। हमारे जो श्री गोकुलचंद्रपति प्रभु जी हैं उन्होंने बड़े सुंदर रूप से उसका जो है हमारे सामने उस कार्बन्य पंचिका को एक सुंदर छोटे से ग्रंथ के रूप में हमें दिया है, उसे पढ़ रहा था। तो उसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं अपने आप को अधम होकर के भी उत्तम रूप में प्रतिष्ठित करता हूँ। विचार देखिए, मैं अधम होकर के अपने आप को उत्तम रूप में प्रतिष्ठित करता हूँ निर्लज्ज की तरह, लेकिन ऐसा होने पर भी कभी कभी हे नवद्वंद में पूर्ण रूप से विराजित दोनों श्री राधारानी और श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि इस दंभ के पीछे कभी कभी मैं आपका नाम भी ले लेता, कभी कभी मेरे मुख से आपका नाम भी जो है निकल आता है। तो हाथ जोड़ करके मस्तक पे कह रहे हैं ऐशा मूर्धनि रचिता, मस्तक पे हाथ रख कह रहे हैं अनभिक्षते, आप मुझे भिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं अत्यंत अत्यंत दुर्भागा हूं। किमपि दुर्भगोजना, मुझसे बड़ा दुर्भागा जो और कोई नहीं है। और क्या मांग रहे हैं उनसे, क्या मांगना चाहते हैं उनसे, सर्वबल्लभ वरेंद्र कुमार परिपात प्रार्थ्य पत्र युवा परिपत्र, कि मैं आप दोनों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोषों को देख करके आप जो है मुझ पर कृपा करने की भावना का त्याग मत कर दीजिएगा। स्वाभाविक रूप से लीलया विदत्तम निज दास्यम समय तो शेष हो चला है। वास्तविक रूप में रूप गोस्वामी पाद के जो इतना बड़ा उनका जो एक चरित्र है, एक आचार्य स्वरूप है उनका, एक उनका कवि स्वरूप है, और इन सारे के सारे जो उनके स्वरूप है ना, उन सारे के सारे स्वरूपों में से यह जो उनका स्वरूप है जहाँ वो दैन्य में ही प्रार्थना कर रहे हैं, लालसा में ही प्रार्थना कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं को अगर हम जीवन में धारण करेंगे, गुरुपाद पद ने इस बात को बोला नितिन्ना प्रवेशा भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को वह देखते थे कि वह किस प्रकार से उत्कंडे का बदली चाटू पुष्पांजलि इनके श्लोकों का निरंतर गान करते थे। तो उन्हीं को देखकर भी गुरु जी ने कहा इस बात को बड़ी दैन्यता में कहा, नित्य सिद्ध हैं फिर भी शिक्षा देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कह रहे कि मैंने उनको देख करके इन सब जितने भी स्तव थे रूप गोस्वामी पाद के, मैंने भी उसको धारण किया। और उसके अंत में रूप गोस्वामी पाद एक बात कहते हैं, उसको कहकर के बात को मैं शेष करूंगा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं इधर सेवा सौभाग्य सुनोमे ये नहीं हो, और ये जो सेवा सौभाग्य है ना, श्री राधा गोविंद की सेवा को प्राप्त करना, इसके लिए जो संपत्ति चाहिए छटापि अस्य सुप्तामपि नाम। अरे जागृत अवस्था की तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न अवस्था की तो बहुत दूर की बात है। मैं जब बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था में भी होता हूं, उस अवस्था में भी इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो रति का कण चाहिए वो मेरे पास है। उस स्वप्न अवस्था में भी मेरे पास रति को प्राप्त करने का कण नहीं है। अच्छा, तो आपके पास अगर संपत्ति नहीं है तो आप किसके बल पर यह बात कह रहे हैं कि हमें वो रस प्राप्त होना चाहिए, कौन सा बल है आपके पास? रूप गोस्वामी पाद ने उससे बड़ी सुंदर बात कही, बोला पदार्थ यस्मिन युष्मन व्रजमनो निवासे जनिता। अरे जिसके कारण मेरा व्रजवास संभव हुआ था, जिसके कारण मेरा ब्रजवास संभव हुआ था, जिसने कहा था कि आप ब्रज आप वहां जाइए, अब आ जाकर के जितने भी श्री कृष्ण लीला है उसको आप पुनर्स्थापित कीजिए, जिसने मेरे को कहा कि ब्रज जाइए, हालांकि मेरी आशा जो है वो अब तक क्षीण हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास उस रस को प्राप्त करने की कोई संपत्ति नहीं है, उस भजन रस को प्राप्त करने के पास मेरी कोई संपत्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी आशा क्षीण हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को देखो कि मेरी आशा क्षीण नहीं हो रही है और बढ़ रही है, किसके बल पर बढ़ रही है? जैसे एक लता होती है आलम की पादो, वो आलम्बन करती है, किसका आलम्बन करती है? वृक्ष का आलम्बन करके ऊपर जाती है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जिसके कारण मुझे ब्रज का निवास मिला, उसी के कारण ही मेरी जो ये आशा है ना, तथापि आशा बंध परिवर्तवरो नाम घड़ियति, मेरी आशा उसी व्यक्ति का आश्रय लेकर के निरंतर बढ़ रही है। तो पशुपाल वरेण्य नंदन कुमार, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि भवतु भवे भवे भव भवे पदा पुरेशु में जन्म जन्म में मेरी रति जो है वो आपके चरणों में हो। साधक के रूप में, साधक की परिभाषा जानेंगे तो स्वयं को तो साधन नहीं ही है, गुरुपुरुषार्थ की परिभाषा है, लेकिन फिर भी जितने भी श्लोक है यह सारे के सारे हमारे गुरुपाद पद पर लागू है कि जिनके आशा से, जिनके बल पर हमें ब्रज का निवास मिला, जिनके बल पर हमें रूप गोस्वामी जी के विषय में सुनने को मिला। अरे यह रूप शब्द आते ही मन में सबसे पहले किसकी स्मृति होती है? ये रूप शब्द आते ही सबसे पहले मन में स्मृति किसकी होती है? गुरुपाद पद की होती है। तो जिन्होंने हमें ये ब्रजवास दिया या अवसर प्रदान किया, नितान्त अयोग्य होते हुए भी हे गुरुपाद पद आप उन्हें भावक रूप है, नमो भावक रूप आया। जितने भी रसिक जन है उन सभी रसिकों के सिरमौर के रूप में आप जो है विराजन है, तो आप ही जो है हमारी इस भावना को स्वीकार कीजिए। साधन विहीन होते हुए व्यक्ति बात कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, परम पूज्य श्रीपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, परम पूज्य श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, अन्य जितने भी गण है, मेरा तो अपना ये विश्वास है, अपनी बात कहता हूँ, बहुत ऊंची ऊंची बात कह दी है, अपनी बात भी कहता हूँ कि बिना इन वैष्णव जन की सेवा किए बिना कोई भी स्वतंत्र साधन किसी प्रकार से फल नहीं हो सकता। हमारा ग्रंथ अध्ययन, हमारा स्वाध्याय, जो भी हम अगर करना चाहते हैं, अगर इनके अनुगत्य में नहीं है ना, तो वास्तविक बात वही आ जाएगी, यमे वेश वृंदे तेन लभ्य, वास्तविक बात वही तक आ जाएगी। तो मैं वैष्णव जनों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, चाहे अभिनय शैली में ही आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपना निज जन जान करके मेरे को इस जीवन में स्वीकारिए। किंचित मात्र बाह्य रूप में ही सेवा में अगर आप लगाएंगे तो कुछ मात्रा में हो सकता है हृदय में ये भाव प्रवेश कर जाए और किसी जन्म में जो होता है गुरुपाद पद्म की उस अगाध हृदय की संपत्ति को हतप्रत हो जाते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो, उनके विचारों को सुनकर के ऐसे लगता है कि कोटि मुख हो जाए बोले, लेकिन फिर अपने हृदय को देखते हैं हृदय खाली है, तो केवल बोलता ही हो जाता है, मटका है ना, मटके में इतने छेद हैं, जब तक सुनते हैं तो बहुत उत्साह होता है, जो ही मटका नदी से बाहर निकाला तो क्या सारा जल समाप्त। तो समाधान तो यही है कि मटके को लेकर के नदी में डूबे रखो, मटके को लेकर के नदी में डूबे रखो, जल हमेशा भरा रहेगा। भक्तों के निकट बैठ करके गुरु महाराज जी की महिमा सुनो, हृदय जो है खाली जो है कभी भी उसका अभाव नहीं होगा। यही कह करके गुरुपाद पद्म से प्रार्थना करें बहुत सुंदर। हमारे विभिन्न यात्री जी की अभिनय शैली बड़ी सुंदर है, वास्तविकता और अभिनय में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। इन्होंने पूरा नवद्वीप परिक्रमा की, मतलब परिक्रमा में जिस चावल पतल और बहुत सारी सेवा उन्होंने स्काइप द्वारा कथा करके सब जगह से लेकर के वो सेवा करते हैं, जो जितना सेवा करता है उसका हृदय में इतना मेवा ही मिलता है प्रभु जी। हमारे गुरुदेव जिस शैली में लिखते हैं वो सारी की सारी भाषा उन्होंने रट डाली है, वैसे की वैसे ही बहुत सुंदर बोला। गुरुदेव आपकी महिमा का जब भी वर्णन करना चाहता हूं कोई शर्म की बात नहीं, बखूबी पछाड़ खाता हूं। सच्चाई ये है कि गुरुदेव की महिमा वर्णन ही नहीं की जा सकती है, करो तो उनकी महिमा छोटी हो जाती है, तो फिर बड़े बड़े लोगों से उनकी महिमा सुन लो तो शायद काम बन जाए। तो इसी उपलक्ष में, इसी कड़ी में मैं अपनी दीदी को बुलाता हूँ, पूजनीय है, आदरणीय है, अपना बृहद हस्त हमारे सिर पे रखने वाली उमा दीदी की जय। आप आइए और बोलिए। ये हमारे गौड़िया मठ की दीदी हैं, बंगाल वाली दीदी नहीं है। यहाँ आएंगी या वहीं पे माइक जाएगा?
फिर छोड़ दे चले गए गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशव शश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नम नम हर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वभाग्य मदीय परम आराध्यतम गुरु पाद मद्म शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अनशिक्षा गुरु मदीय शिक्षा दीक्षा गुरु नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टतर शत भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज और मेरे भजन शिक्षा गुरु नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टतर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी उभय अभय चरण कमल में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम निवेदन करते हुए अहित को कृपा का जांचा करती हूँ। उसके पश्चात परम मेरा परम आराध्यतम परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण कमल में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हीं को कृपा का प्रार्थना करते हो। उसके पश्चात तिदंदी सन्यासी बिंद भक्त बिंद सभा चरण में हमार जगत प्रणाम निवेदन स्वीकार। विशेष करके आज रूप गोस्वामी को पावन तिथि उनको तिरुबा तिथि उपलक्ष्य गुरु महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जे उत्सव महोत्सव पालन करते थे अभी भी उसी को चल रहा है। उसी के अंदर इस साल क्या हुआ शतवार्षिकी की उत्सव भी आ गया तो एक ढील में दोनों पाखी मारना तो एक ही ढील में हमारा दोनों उत्सव उत्सव उपलक्षे पर दो दिन हम लोग रूप गोस्वामी का संबंधे सुना आज हमारा गुरुवर्ग का महिमा गुरुवर्ग का कीर्तन महिमा कीर्तन जितना जो परिमाण अधिकारी है वो कीर्तन कर रहा है। मेरे पास तो निष्ठा भी नहीं है गुरुदेव के प्रति गुरुदेव का बिंदु मात्र तो निष्ठा ही नहीं मैं क्या बोलूँ गुरुदेव का कथा तब भी जीव भा हृदय पवित्र करने के लिए कुछ कथा
कुछ हम बोल रहा हूँ क्या हुआ। मेरा गुरुदेव का जन्म तिथि तो दिसंबर में है, लेकिन इस साल में 1921, तो इसी के लिए दोनों का एक ही साथ में हो रहा है। तो गुरु वैष्णव का गुणगान कीर्तन महिमा कीर्तन बहुत असंभव व्यापार है। मेरी गुरुदेव का बात है, उनको भाषा में कह सकती हूँ, आप अगर गुरु वैष्णव को गुण महिमा कीर्तन करने का इच्छुक है तो क्या दो एक पन्ना कागज का काफ़ी नहीं है। आप अगर पृथ्वी को धरती को अपना कागज कल्पना करके चिंता करके अगर उसको ले लिया, तो धरती को जब कागज चिंता किया तो उसके साथ कलम भी चाहिए, पेन भी चाहिए, उसे तो पेन कौन सा पेन होगा, कोई छोटा का तो नहीं आए। हमारा गुरुदेव कहते थे हिमालय को एक सिंह को पीक उसी को तुम कलम बना लो, कलम तो बना लिया, सियाई चाहिए। सियाई क्या होगा, सात समुद्र को तुम अगर सियाई चिंता करो और गुरु महिमा को कीर्तन करो उसी में एनाफ नहीं है, उसमें भी तुम पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे गुरु वैष्णव का महिमा, तो मैं क्या उसको क्या करेंगे, उनको कुछ शिक्षा कुछ जो मैंने सुना उसी को कुछ दो एक शब्दों में उनको चरण में पुष्पांजलि देना चाहते हैं। मैंने सुना गुरुदेव जब बचपन में आए थे मायापुर में प्रभुपाद का पास, भक्ति सिद्धांत और सरस्वती को पास, इतना मेधावी छात्र थे, आज प्रभुपाद को इतना सेवा करते थे, छोटा बालक बगीचा से चना हरा चना खोल खोल के प्रभुपाद को देते थे खाने के लिए, उनको घर झाड़ू भी लगाते थे। आज एक दफे क्या उनको भक्ति विनोद इंस्टीट्यूशन में उनको भक्ति भी कर दिया, एडमिशन कर दिया। तो अभी पढ़ाई करते करते एक बार जो सुनते हैं ना कभी भूलते नहीं हैं, एक बार सुना बात याद रख दिया, कोई किताब खोल के देखना नहीं पड़ता है। अरे उनको ये याद बहुत स्ट्रांग था। तो एक दफे एक स्कूल में एक शिक्षक इंग्लिश में इंग्लिश टीचर आया तो सबको किताब खोल के उनको पढ़ा रहा है, क्या कहता है उनको क्या कर रहा है डिक्सेशन तो नहीं है, उनको पढ़ा रहा है कोई इंग्लिश किताब खोल के रीडिंग पढ़ो। तब मेरे गुरुजी तो किताब विताब खोला नहीं, टीचर देखते हुए कहता है अरे संतोष तुमने किताब क्यों नहीं खोला, तो कुछ जवाब नहीं है, तब भी किताब नहीं खोला। तो टीचर उनको बोला स्टैंड अप ऑन द बेंच, तुमने बेंच के ऊपर खड़ा हो जाओ शास्त्र। तो जब उन्होंने खड़ा होने के लिए जा रहा है उसमें एक छात्र टीचर को बोला सर उनको कोई किताब खोलने का जरूरत नहीं है, आप जहाँ से कुछ पूछो उनको उत्तर दे देगा एकदम पूरा। तो टीचर देखा है एक तो उनको तो जो देखा दे सचमुच, दूसरा कौन कोई सब्जेक्ट से उनको बोला उनको भी बहुत सुंदर पूरा कोई किताब देखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद उनको गुरु को भी कोनो टीचर उनको कोई पूछते नहीं जानते इतना मेधावी। तो कभी बोर्ड एग्जामिनेशन समय जब बोर्ड एग्जामिनेशन होता है आसपास गांव में जितना स्कूल है अच्छा मेधावी छात्रों को उनको इम्तहान परीक्षा देने के लिए अलाउ करते हैं, उसके बाद उनको सिटी में शहर में अच्छा स्कूल में भर्ती कराया जाता है। तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम ने सुनाए मेरे गुरुजी भी वो बोर्ड एग्जाम ने सुनाया अपना इम्तहान दिया था। तो कभी 3 महीना बाद रिजल्ट आएंगे तो एक दिन प्रभुपाद संतोष को बुला के बोला संतोष बहुत एक दुर्संवाद दे रहा है, अच्छा संवाद नहीं है, तुम परीक्षा में फेल किया है, तुमने परीक्षा में पास नहीं किया है,
सुनते हुए संतों साथ साथ उत्तर दिया, प्रभुपाद ये नहीं कभी हो सकता, हम कभी फेल नहीं हो सकता है। प्रभुपाद पूजा क्यों क्यों ना, हमने गुरु वैष्णव को सेवा करते हुए जो उनको आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद में हम जीवन में कभी फेल नहीं करेंगे। तो ये है गुरुदेव का दृढ़ विश्वास। इतना सब वैष्णव को भी जो छोटा बचपन में मायापुर में इतना सेवा किया है, कभी ओली महाराज मुझे बोला था जे तुमने किसका शिष्य, तुम किससे इंस्पिरेशन लिया था, तुम केशव गोस्वामी महाराज ना किससे ना, हमने बोला नहीं, हमने हमारा गुरु है नित्य परम पूज्यवाद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज। उस समय ओली महाराज खुद मुख से बोला था, हाँ मेरे को भी एक तुम्हारे मायापुर में पेट में बहुत बीमारी हो गया, उस समय इतना सेवा किया। गुरु महाराज भी कहते थे हम अभी तक मठ में टिके हुए किस लिए है, गुरु वैष्णव को सेवा करके। तभी कभी मुख से बोला नहीं था हमने खूब सेवा किया, ये किया वो किया, नहीं, उनको सेवा का कहते हैं उन्हीं को सेवा का फल हम आज भी मठ में टिके हुए हैं, न तो कब मठ से चले जाते। कभी उनमें ये भी अभिमान ना था भक्ति प्रभुपाद से, उनको हरि नाम मिला। मैंने पूछा आपको हरि नाम मिला आपको दीक्षा क्यों नहीं हुआ, कहता उस समय दीक्षा देने के लिए काफ़ी हरि नाम देने के बाद 5-6 साल 10 साल अपेक्षा करके तुमको उनको दीक्षा दिया जाता है। मैं देखा मेरे माता जी को और मेरा बहन बड़ा बहन को भी दीक्षा भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी, पहले तो दीक्षा देने को हरि नाम देने के बाद 5-8 साल 10 साल को बाद उनको दीक्षा मिला। आजकल का माफी दीक्षा हरि नाम एक साथ में नहीं होती है। तो ऐसे महाराज भी कहा करते थे, देखो दीक्षा उस समय नहीं हुआ लेकिन उनको जेल में तो मिला है, तो खत्म बहुत जानते उनको दीक्षा कहाँ हुआ ना, जेल में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उनको दीक्षा दिया। एक समय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का शिष्य लोग अपना शिष्य को एक तालिका प्रस्तुत किया था कि कौन कौन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का शिष्य है। तो परम हमारा गुरु जी उनमें देखा मेरे तो नाम नहीं है, क्यों ना उनमें तो परम गुरु महाराज उनको थोड़ा से प्रभुपाद का शिष्य बोल के कुछ मानते हैं कुछ होगा। तो परम गुरुदेव देखते हुए भी बोला ठीक है, लेकिन मेरे गुरु जी बोला तो ये कैसे बात है, हमारा नाम कहाँ है, हमारा नाम तो सबसे पहले होना चाहिए। तो कभी ये अभिमान ना नहीं थे, उसके बोलने का मतलब है कभी ये अभिमान नहीं था हम तो भक्ति प्रभुपाद का मैं शिष्य हूँ, ऐसे तो कोई अभिमान ही नहीं था, कभी आचार्य का अभिमान ही नहीं था, कभी सोचता नहीं हमारा इतना शिष्य है। मैं तो हर वक्त गुरुदेव को सुनते, गुरुदेव कहता है मेरा तो कोई एक भी शिष्य नहीं है, ये सब देख रहा है, ये सब मेरे गुरुदेव का वैभव है। कभी इतना भी अभिमान मुझे मैंने देखा नहीं देखा गुरुदेव का अंदर, जे आचार्य होते हुए कभी खुद एडमिनिस्ट्रेशन हुआ सर्विस में, जैसे नारायण महाराज सब जितना कार्य कैसे कार्य चलेगा कैसे परिक्रमा चलेगा इनके लिए महाराज जी सब व्यवस्था करते हैं, कभी इनके ऊपर उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी सोचा नहीं मैं आचार्य हम सबको कंट्रोलर, हम कंट्रोलर ये अपना को सोचते हम सेवक है खुद दो सेवक, कभी ये अभिमान ही नहीं था जे मैं आचार्य, ये बहुत 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 चिंता माने गंभीर बात है, अभिमान नहीं था जहाँ मैं आचार्य मेरे शिष्य है। और उनको शिष्य को भी कुछ गलती करते हैं, कभी उन्हें एक शिष्य नारायण महाराज के चरण में कुछ अपराध किया था, कुछ बोला उनने, महाराज ये सुनते हुए महाराज जी माने मेरी गुरु जी ब्राह्मण गोस्वामी महाराज जी बोला देखो तुम हमको बोल रहा है तुम्हारा मौत में जाने के लिए मुझे आमंत्रण दे रहा है, तुम्हारा मौत में हम कभी नहीं जाएंगे, क्यों ना तुमने नारायण महाराज को अपमान किया, जाओ उनको चरण में क्षमा चाहो। गुरु कौन होता है, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी गुरु है,
तुम वही बोसम का चरण में तुमने अपराध किया है, तो हमको जाने के लिए हम कभी तुम्हारा मौत में घुसेंगे नहीं, जब तक महाराज दिख न दे हमें ए शिष्य को, आपका शिष्य को मैंने क्षमा किया। तो ऐसे ही विचार, क्या विचार, ये सब विचार कौन है? और विशेष करके नारायण महाराज जो विचार और महाराज भक्ति वृत्तांत बामन कुछ में उतना तो कहता है वैष्णव अपना सरोरता, सरोरता नहीं है तो क्या अंदर एक है बाहर एक है, इसको तो वैष्णव नहीं कहा जाता है। भक्ति वृत्तांत और नारायण को समय एक प्रयोग कीर्तन था वैष्णव वंदना में, अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानव, अंतर बाहिरे अंतर में जो है बाहर में है एक ही होना चाहिए। वैष्णव को ऐसी कोई सरोरता नहीं है, वैष्णव का मन में एक है बाहर में एक है, ये वैष्णव वैष्णव पदों पर चुई नहीं है। महाराज जी को एक बात है भक्ति विनाद नारायण गोस्वामी, हम लोग का ऑलवेज माने सब समय हम लोग को कहते थे देखो निंदा नहीं करो, कोई निंदनीय व्यक्ति भी हो उनके निंदा नहीं करना चाहिए, अपना भजन करो, तुम किसी को गार्जियन नहीं हो, कार्यक्षम नहीं कर पाओगे तो क्यों तुम उनको निंदा करते करते हुए अपना समय को बर्बाद करते हो। अत्यंत दुराचार व्यक्ति को भी निंदा ना करो, तुम दूर से उनको प्रणाम करो लेकिन उनको निंदा ना करो। ये हर समय हर व्यक्ति का पहले गुरुदेव ये बात कहते थे, और गुरुदेव कितना सुंदर उनको, हाँ उनको जब भी किसी आते ना कितना सुंदर मीठा उनको हंसते हुए कितना सुंदर सब समय मुख में हंसी मंद मिलू हंसुआ, कितना कितना प्रेम से कहते थे बेटी इतना दिन क्यों नहीं आया, क्या बात है इनको ये थोड़ा थोड़ा बाद में क्यों गुरुदेव का इतना सबको इतना उनको इतना क्यों आकृष्ट होता है, थोड़ा बात मनुष्य लोग प्रेम का वशीभूत है, थोड़ा से हंसते हुए थोड़ा से कुछ पूछते हुए कितना प्रेम से, हाँ तुमने प्रसाद पाया, प्रसाद नहीं पाया जाओ प्रसाद का व्यवस्था, इतना प्रेम का हाँ। और गुरुदेव नारायण महाराज जी कहा करते थे देखो भाई तुमको कोई अगर अपमान करे, कोई भर्सना करे, कोई मारे भी तुम क्या करोगे, तुम भी उनको मारोगे, नया कर्म करोगे नहीं, तुम उनको जानोगे ये तुम्हारा कर्म है, कोई तुमको मारा है अपमान किया है इनको सहन लो। कभी एक समय हमारा गोवर्धन मठ पे परिक्रमा का समय बात चल रहा है जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब एक अपना रूप गोस्वामी नूप गोस्वामी जो बा कौन श्लोक प्रतिष्ठाधिष्ठा सपोचरमणि दी श्लोक ये वाला श्लोक जब लिखा है तो उस समय बल्लभ आचार्य उनको पास आके पूछा बेटा तुमने किया कोई नूतन ग्रंथ तो श्लोक रचना किया है, उन्होंने इसको बोला हाँ हमने हाँ किया है, तो बोला देखा तुमने मुक्ति भुक्ति प्रिया भुक्ति को तुमने पिशाची के साथ तुलना दिया है, भुक्ति मुक्ति का भुक्ति को बात दूसरा है, मुक्ति का जो लोग कितना आदर करता है तुम मुक्ति को पिशाची के साथ तुलना दिया है एक ठीक बात नहीं है, इसको चेंज करना है। तो कहता है हाँ प्रभु आप अगर चेंज कर सकते हो चेंज कर दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। उस समय उन्होंने गंग जमुना में स्नान करने गया, जीव गोस्वामी छोटा बालक उनको वो आए उनको उनको वो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का दीक्षा गुरु भी है उनसे भी सब कुछ सीखा है, तो उन्होंने वो बालक भी एक खाली कलसी लेके जमुना में पानी भरने का बहाने में गया है, पानी भरते भरते उन्होंने पूछा वल्लभ आचार्य को आपने क्या देखा गलती मेरे गुरुजी का श्लोक में, तो आपने उनको चेंज करना चाहते हैं ऐसे तर्क उनसे किया है ना, तो समझाया शास्त्र का प्रमाण देके समझाया मुक्ति को क्यों पिशाची कहा गया, तो ये सुनते हुए वल्लभ आचार्य उत्तर नहीं दे पाया, वो आके
जब स्नान आन करके आके उन्हें बोला, रूप तुमने जो लिखा है ठीक ही है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा छोटा बालक देखा वो कौन है तुम्हारा? कहता हमारा भाई का रेर का भतीजा और वो हमारा शिष्य भी है। कहता बहुत अच्छा, मेरा भी शास्त्र मेरा भी है। इतना बोल के चला गया। उसके बाद रूप गोस्वामी तो समझ गया ये बेटा कुछ ऐसे कुछ बोला, तो अभी जीव गोस्वामी को बुला के बोला, जे तुमने क्यों कोई सम्मान, अगर मैंने सम्मान नहीं देना देना नहीं जानते हो? गुरुदेव भी कहता है कोई अगर पैसा मांगे, कोई अगर सम्मान मांगे उनको दे दो, तुम अपना भजन करो। तो सम्मान देने को बात क्या हुआ, तो उसके बाद जीव गोस्वामी को तुम्हारा वृंदावन में ब्रजवास भक्ति करने का तुम्हारा अभी समय नहीं है, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। तो उस समय जीव गोस्वामी चला गया। तो उस समय एक बात हुआ, माधव महाराज ने माधव महाराज जी पूछा, जे महाराज कोई अगर कुछ हमारा गुरुदेव को कुछ बोले हम उसको प्रतिबद्ध करे ना करे? गुरुदेव हाँ सर, उसको उत्तर नहीं दिया, लेकिन ये बात है अपना को आप कोई अगर तुम्हें अपमान करे, तुमको धिक्कार दे, कुछ करे, तो उनको ये रिवेंज प्रतिशोध लेने के लिए भाषणा नहीं होना चाहिए। तुमको उल्टा प्रतिशोध ही मुझे अपमान किया है, हम इतना बड़ा आदमी हो इतना अपमान, हम उनको भी देख लेंगे कैसे, ये नहीं। हाँ गुरु वैष्णव का कोई कुछ बोले तो उसको जरूर उनको काटना। तो ऐसे ही है गुरु वैष्णव का पेशा नहीं। महाराज जी से आज जो कुछ सीखा है मैंने भक्ति विधान, तो नारायण गोस्वामी ब्रज कथा में एकदम दुख है। अभी अभी विपिन प्रभु ने बताया ना, गुरुदेव जहाँ से शुरू करे कोई बात नहीं है, जैव धर्म में जैव धर्म से कोई सिद्धांत तो लेके शुरू किया, किंतु आखिरी के कहाँ पहुँचेंगे, वो ब्रज में पहुँचेंगे गोपिका कथा में। तो ऐसे ही महाराज की महिमा है। ब्रज कथा आज जो हम लोग बोलते हैं तो महाराज को देना है, हर समय हम लोग महाराज को गुरुवर्गों का बहुत हम लोग दे ऋणी है। मैंने पूछा महाराज जी से, महाराज जी ये ऋण कैसे हम लोग आप शोध कर सकते हो, कैसे इनको रिटर्न कर सकते हैं? महाराज कहते गुरु वैष्णव का ऋण तो कभी शोध नहीं होता है, तो उनको मुझसे जो सुना है वो तुम लोग को डोर टू डोर जाके इनको बताओ। गुरु महाराज का बहुत इच्छा था हमारा किताब जाए घर घर में, किताब मेरे कूलर उसमें नहीं, क्या कहता है ठंडा घर में बूंदी ना हो। तो हम लोग का इतना हम लोग का सब दिल्ली में सब जगह में गुरुदेव का शिष्य का कमी नहीं है, ब्रह्मचारी का भी कमी ना है, लेकिन किसी को में उत्साह नहीं है गुरुदेव का बोल लेके जाके थोड़ा घर घर में। जो इस्कॉन में देखती हूँ हर हर घर में है, वो लोग हर कोई उत्सव होता है गुरुदेव का प्रभुपाद का बोल लेके जाते हैं, अपना बोल नहीं प्रभुपाद का बोल लेके जाते हैं। अभी तो प्रभुपाद का कथा ही चलता है वहाँ, प्रभुपाद का कोई अपना कथा नहीं बोलते, प्रभुपाद का कथा, प्रभुपाद का किताब, प्रभुपाद अभी तो इस्कॉन इसी के लिए चल रहा है। कोई उसमें यही नहीं, इस्कॉन में कोई खराब भी हो सकता है, लेकिन इस्कॉन में यही जो चीज़ है प्रभुपाद प्रभुपाद अभी तक प्रभुपाद चल रहा है हर समय हर चीज़ में। आज क्या बात है प्रभुपाद का लेके सब कुछ। तो इसी के लिए हम महाराज जी हम लोग का क्या बोल के कहा, तुम्हारा जीवन में भजन साधन करते हो, उनको तो कोई क्या भजन साधन क्यों कर रहा है, किस क्या प्राप्त करने के लिए, उसको तो फिक्स करो। तो गुरु महाराज बहुत कृपा करके, महाराज जी कृपा करके बोल गया, तुम्हारा जीवन का एम एंड ऑब्जेक्ट है कैसे राधा ना, जो महाप्रभु देने आया था स्वभक्त श्याम, उस सेवा हम कैसे प्राप्त हो। तो इसी के लिए उनको चरण में आज निवेदन, वैसे ही सेवा है उनको गुरु सेवा, गुरु का निष्ठा के ऊपर निर्भर। अब मेरे तो कम निष्ठा ही नहीं है, तो कभी किसी ना किसी होगा उत्साह निश्चय धैर्य, इसी कारण में बैठे हैं, कभी तो होगा कभी ना कोई जन्म में मेरे गुरु का प्रतिदान, गुरुदेव जो देने चाहते हैं उसी को हम
प्राप्त करेंगे रूप गोस्वामी का चरण में, मैं मेरे गुरुदेव का चरण में। मेरे गुरुदेव केवल भक्ति वृंद बामन गोस्वामी महाराज केवल मानव जाति को उद्धार नहीं किया, भूत प्रेत जो कुछ मिला सबको उद्धार कर देते, इतना दयालु थे। तो आप मुझी को चरण में आज प्रणाम निवेदन करते हैं। आज जो वैष्णव लोग बैठे हैं उन लोग भी बहुत दयालु है। तो गुरुदेव कहा करते थे भाई तुम्हारा कोई निंदा करे तुम जानो वो तुम्हारा परम बंधु है, परम बंधु है, तुम्हारा क्या क्या दोष दिखा रहा है तो हम चाहते हैं वो मेरे पास रहते हुए मेरा क्या क्या गलती दिखा दे। तो इसी में हमारा भी विचार हो, हमारा भी ऐसे गुरु वैष्णव का जो विचार है उनको जो उपदेश उनको उसी को लेके हम चल सकते हैं। जीवन का जितना दिन अवशिष्ट है गुरुदेव का प्रति निष्ठा कब होगा जानते नहीं है। गुरुदेव कृपा करें मुझे। हरे कृष्ण वंचा कर पहली बार प्रचार करके आया मैं विदेश के अंदर, तो मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि गुरुदेव ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ है और उस साम्राज्य ने मुझे अपने आंखों पे पलकों पे बिठा के रखा और इतना मुझको सम्मान दिया, मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा गुरुदेव, ये मैं कहना चाहता था। तो मैं गुरुदेव के ऐसे ही सामने गया तो गुरुदेव बोलते हैं वाह 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 तुम इतना प्रचार किया, सर्वत्र मेरा ही प्रचार हो गया तुम्हारे कारण। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने प्रचार नहीं किया, मैंने आपके साम्राज्य के ऊपर बहुत ही आई एंजॉयड योर एम्पायर, मैंने इंग्लिश में बोला आई एंजॉयड योर एम्पायर, मैंने आपके साम्राज्य का सुख लिया है। तो मुझको एक जगह व्यक्तित्व देने के लिए उठाया बोला, तो मैंने ना एक दो कविता सुना दी और कविता सुनाने के बाद जब मैंने रखा बोलते हैं अरे वाह तुम तो मेरे से भी अच्छा बड़ा वक्तृता दे देते हो। मैंने कहा गुरुदेव मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक बार एक छोटी सी चिड़िया होती है ना गौरैया और गरुड़ बहुत बड़ा पक्षी होता है, उन दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा तेज़ी से दौड़कर 40 किलोमीटर दूर पहाड़ पर खड़ा हो सकता है। गौरैया राजी हो गई कि मैं तेरे से कंपटीशन करूँगी। गौरैया चिड़िया छोटी वाली चींची जो जो करती है, अब जैसे ही 1 2 3 हुआ तो चिड़िया चींची चींची करके उड़ी और वो उस गरुड़ जी के पीठ पे बैठ गई। अब गरुड़ को पता भी नहीं चला छोटी सी चिड़िया, और वो उस तरफ जाके पहुंच गया और ये फिर उड़ के चींची ची करके वहीं पे पहुंच गई, मैं पहले पहुंच गई। मैंने कहा गुरुदेव हम तो आपकी पीठ पे आपके साम्राज्य पे ऐसे ही उड़ के बैठ के खेला खाली कर रहे हैं और नाम जो है वो हमारा खामा खा हो रहा है, वैसे हम चींची 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 हैं। अब मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से प्रार्थना करूँगा, वो अपनी रसमयी कथा गुरुदेव के प्रति प्रेममयी कथा हम सबको सुनाएं श्रवण कराएं। पूज्यपाद श्रीधर महाराज हरि बोल हरि ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द
श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री समस्त त्रिदंडपादगण श्रील माधव महाराज परमहंस महाराज वैष्णव महाराज नरसिंह महाराज अन्य अन्य समस्त त्रिदंडपादगण समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री गुरुद्वय का शतवार्षिकी उपलक्ष्य को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी प्रश्न यह होता है हम इतने क्यों उनकी महिमा को गा रहे हैं और एक साल तक और कहाँ कहाँ पर इनकी उत्सव को मनाया गया संपूर्ण पृथ्वी में ही मनाए जा रहे हैं। कारण क्या है इनकी चरण में गुरु जी की चरण में हम इतने क्यों ऋणी हैं इस विषय पर श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज बहुत एक अच्छी बात कहते थे। बोले देखो जिस समय भगवान नारायण थे तब भी मैं किसी ना किसी रूप में वहाँ पर होता हूँगा। जब हम श्री भगवान राम आए उसी समय में हम भी कहीं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी रूप में जरूर होते हुए होंगे। जब कृष्णा आए तभी भी हम किसी ना किसी रूप में होते हुए होंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम किसी ना किसी रूप में होते हुए होंगे। जब छह गोस्वामी आए तभी भी हम किसी ना किसी रूप में हुए होंगे। जब श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए भक्तिविनोद तभी भी हम किसी ना किसी रूप में ये संसार में हम जरूर होते हुए होंगे। लेकिन हम जो ये नरक की जो कीड़े बन करके जो पड़े हुए हैं लेकिन हमारी चोटी पकड़ करके किसी ने भी नहीं निकाले। हमारी चोटी पकड़ करके माया से किसी ने भी हमें नहीं निकाले। निकाला तो किसी ने हमें ये चोटी पकड़ करके ये माया की गर्त से हमें निकाला किसी ने। तो महाराज जी कहते थे केवल श्री गुरुपाद पद्म ही हमें संसार से ये माया से गुरुदेव ही हमें निकाले। इसलिए हम संपूर्ण रूप में श्री गुरु जी की चरण में हम संपूर्ण रूप में ऋणी हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये भक्ति रूपी लता रूपी बीज प्राप्त होता है किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को। तो यहाँ पर प्रश्न होता है भैया गुरुदेव तो हमारे हृदय में ये भक्ति रूपी लता को बीज बपन किया फिर कृष्ण का नाम फिर क्यों कहते हैं। बोले कारण है जो गुरुदेव है कहते कृष्ण ये अंतर जामी रूपी गुरु है। हम सुन रहे थे कृष्ण बंदे जगत गुरु। अगर हमें यहाँ तक लाया तो किसने लाया है यहाँ पर। हम रामानुज संप्रदाय में क्यों नहीं गए। हम श्री मध्वत श्री निम्बार्क संप्रदाय में क्यों गए नहीं गए और दूसरे संप्रदाय में गए नहीं क्यों। अरे आए तो ये महाप्रभु की धारा में प्रभुपाद की धारा में और हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को पास में क्यों आए। हमको लाने वाले कौन है। बोले कृष्ण ही लाए यहाँ पर। ये अंतर्जामी रूप में श्री कृष्ण ही हमें लाए हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी इसी विषय पर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज।
यहाँ प्रश्न होता है, भैया पुस्तक में भी गुरु मंत्र लिखा हुआ, पुस्तक में भी हरे कृष्ण महामंत्र है, फिर हम पुस्तक से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, फिर हमें गुरु जी की क्या जरूरत है। तो इसी विषय पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, कहते ऐसे कुछ वृक्ष है, अगर जिस वृक्ष का बीज को आप डायरेक्ट अगर ले करके बोए वो नहीं होगा। कहते ऐसे कौन सा वृक्ष है, कैसे पीपल वृक्ष, आप बरगद का वृक्ष की देखना, वो कभी भी वो पेड़ को नीचे वो वृक्ष नहीं देखोगे, कहाँ पर देखोगे, किसी छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर में, और कहीं देखोगे। बोले ऐसे क्यों, बोले कारण है, कहते जब वो बीज किसी चिड़िया की पेट में जाए, उसको पेट में ऐसे के रस है, वो रस को साथ में जब मिलता है तभी जा करके वो वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा, वो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए उसी तरह ये जो मंत्र है, जब हम गुरु जी की से मंत्र को ग्रहण करें, हैं, क्योंकि गुरु जी के हृदय में जो भावना है ठाकुर जी के प्रति, वो भावना के द्वारा मिलने पर जब गुरु जी से हम कृष्ण मंत्र को लेते हैं, फिर जा करके वो कार्यकारी होता है, नहीं तो कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण कभी एक समय सारे ग्रंथों को उन्होंने बुलाया, वेद वेदांत पुराण सारे ग्रंथ को बुलाया, तब उन्होंने एक प्रश्न रखा, बोले तुम लोग ये बताओ, भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्त का भक्ति का क्या डेफिनेशन है। तो वेद को खड़े किया, वेद भी लेक्चर दिया, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए, बोले बैठ जाओ। फिर उन्होंने सारे उपनिषद को भी बुलाए, वो भी दिए तरह तरह का, लेकिन भगवान खुश नहीं हुए। उन्होंने सब उन्होंने वेदांत सूत्र को भी बुलाए, समस्त पुराण को भी बुलाए, लेकिन उन लोगों ने जो उत्तर दिया ना, भगवान खुश नहीं, बोले बैठ जाओ। सब बोले भैया हम इतने इतने अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन भगवान किसी में भी खुश नहीं हुए, लेकिन केवल एक ही ग्रंथ बाकी रह गया, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बाकी रह गया। अब सब देख रहे हैं, अब ये भागवत क्या आंसर देता है, सब उनको तरफ में देख रहे, ताक रहे। तब भागवत को जब खड़े किया, भागवत केवल दो श्लोकों को बोले। पहला श्लोक है श्री प्रहलाद महाराज जो उसको पिताजी ने बताया, बताओ जो कोई मैं प्रश्न करता हूँ, तुम केवल हरि हरि की भजन की बात बताते हो, एक या संडा अमर करने तेरे बुद्धि को बिगाड़े, तो उसी हाँ बिगाड़े तो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले नैसा अंगमति स्थावत उरु क्रमांग्री स्पीसार्थ अनर्थ अवगम जदर्थ मही असाम निष्किंच नाम न वृणीति जावत। बोले पिताजी जब तो कोई निष्किंचन किसी साधु की शरण में कोई नहीं जाएगा, भले ही जो कुछ कर ले, ये मति किसी तरह से भगवत चरण में लगने वाले नहीं। फिर उनने दूसरे श्लोक श्री भरत महाराज के जो बताए, बोले रहुगण ही न तपस्या न जाति न इजया न निर्बातपना गृहात बा नैवम छंदसा नैवम जलाग्नि बिना महत्पदो रजो विषकम। कहते जब तक किसी महत की चरण धूल में हम अभिषिक्त नहीं होंगे, कहते ये मत किसी तरह से नैसाम कहते हैं न जाति बा इज्जया निर्बाप ना घर छोड़ने से नहीं होगा, वेद पढ़ने से नहीं होगा, अग्नि जल की पूजा करने पर नहीं होगा, केवल होगा कब होगा, जब हम किसी निष्किंचन भक्तों के शरण में जब तक नहीं जाएंगे। जब भगवान ये बात को सुने ना, खुश हो गए, बोले मैं यही बात मैं सुनना चाह रहा था। इसलिए भक्तों चरणों की इतने महिमा कृष्ण स्वयं कहते हैं, अनुब्रजामि अहम नित्यं पुये एत अंघ्रि रेणो भी। मैं भी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ, क्योंकि भक्तों की चरण धूलि अगर मेरे सर पर पड़ेगा तो भगवान स्वयं कहते हैं मैं भी पवित्र बन जाऊंगा। भक्तों की चरण धूल की इतने महिमा, भगवान भी स्वयं कहते हैं मैं भी पवित्र बनने के लिए भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ। तब तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले भगवान क्या पवित्र बनने के लिए, भगवान भी भक्तों का चरण धूलि पाना चाहते। बोले हाँ, बोले क्यों, बोले कारण है भगवत भक्ति प्राप्ति का। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं केवल तीन उपाय हैं, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन यही साधन रे बल। जब तक भक्तों का चरण धूलि भक्तों का चरणामृत को हैं भक्तों की अधरामृत को ग्रहण नहीं करेंगे, भगवत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण विशेष विग्रह हैं,
लेकिन भक्त आश्रय विग्रह है, इसलिए जो विषय विग्रह है कृष्णा, जो आश्रय विग्रह जो भक्ति, जैसे राधा रानी की भक्ति कृष्ण आस्वादन नहीं कर सकते, क्यों? से करोड़ों गुण उनको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कृष्ण भी स्वयं देखते हैं ये भक्तों का चरण आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में वे राधा रानी की भाव अंगकांति लेकर के सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री कलयुग में कृष्ण स्वयं आते थे, इसलिए भक्तों की इतने महिमा। इसलिए हम एक साल से श्री गुरुपाद पद्म की जो अथा महिमा को क्यों सुन रहे हैं, कारण क्या है, और विशेष करके तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, भक्त तो बहुत है, लेकिन ब्रज रस रसी की भक्त हो, ब्रज रस में भी श्री राधा रानी की श्री रूपानुगत को जो ग्रहण करते हुए जो भगवत भजन करने वाले ऐसे भक्तों का आश्रय तो बड़े भाग्यवान को मिलता है, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यवान कौन हैं, ऐसे श्री जिनकी कण कण में ये ब्रज रस राधा रानी के चरण की निष्ठा रूपानुगत निष्ठा हमारे जो भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का जो शरण में हम आए हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हमें समझना चाहिए। इसलिए अभी अभी हम लोग इनकी महिमा को श्रवण कर रहे थे, इसलिए हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हम कोशिश करेंगे उनकी किसी विशेष वैशिष्टता को वर्णना करने के लिए। इनकी इतने वैशिष्टता है, विशेष करके कहते हैं तीन मृदंग है, एक तो ये मृदंग है, एक बृहत मृदंग और एक होता है जीवंत मृदंग। कहते ये तीन मृदंग के ऊपर में जिनकी संपूर्ण अधिकार है। जब मैं सर्वप्रथम मेरे मन में पता नहीं बचपन से मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी हम थोड़ा हरिकथा सीखें, मेरे मन में पता नहीं बचपन से इच्छा थी। इसलिए माधव महाराज के भाई नंदनंदन प्रभु, अभी मैं जब जाता था, जब उन्होंने मेरे मन की भावना समझे, मैंने कहा ऐसे कोई है जो कि हरिकथा सिखाते हैं? बोले हाँ, मथुरा में एक श्री नारायण गोस्वामी महाराज है, ये बड़े सुंदर हरिकथा सिखाते हैं और बच्चों को खड़े करके सिखाते हैं। जब मैं ये बात को सुना तब उन्होंने मेरे को मथुरा में उन्होंने भेजे। जब सचमुच से मैं मथुरा में आया ना, देखा वहाँ कृष्ण कथा रूपी नदी की जो मंदाकिनी की रस की धारा जो प्रवाहित हो रहा था, मैं तो देख कर भैया अक्के बक्के चक्के हो गए, क्योंकि हम गौरी मठ में देखा कहीं एक एक बार कथा, लेकिन वहां पर देखा जब कोई गुरु वैष्णव का तिथि आते हैं, महाराज दिन में चार चार बार महाराज बैठते थे, स्वयं महाराज जी सवेरे एक बार बैठते थे हैं जैसे कथा होती है, उसके बाद दोपहर में जब पुष्पांजलि देते हैं 10 बजे फिर बैठते हैं, फिर शाम को 4 बजे बैठते हैं, उसको बाद में आरती के बाद में सब यहाँ पर सब, और रामचंद्र प्रभु और दिल्ली से रागलेखा दीदी इतने दूर से केवल एक घंटा आधा घंटा कथा सुनने के लिए रामचंद्र प्रभु जो 6-6, 7-7 घंटा उन्होंने बैठ करके वो कथा सुनने के लिए महाराज के पास में इतना कष्ट करके आते थे। क्यों? हरि कथा रूपी महाराज की जो हृदय की जो उद्गार है, हृदय की जो भावना है वो कथा में, इसलिए कहते हैं जो हम गुरुदेव को उदाहरण देते हैं कैसे है, वो एक पारस पत्थर जैसे, लेकिन स्पर्शमणि क्या करता है, लोहे को सोना बनाती है, लेकिन लोहे को स्पर्शमणि नहीं बनाती। लेकिन हम उदाहरण देते हैं हमारे महाराज जी ये पारसमणि थे, उन्होंने पत्थर को उन्होंने दूसरों को उन्होंने सोना नहीं बनाए, महाराज का संस्पर्श जो आ गए, वो जो पारस पत्थर उन्होंने उनको सबको स्पर्शमणि उन्होंने बना दिया सबको। ये जो कथा आपने देख रहे हो ये किसकी महिमा, जैसे रूप गोस्वामी की तिथि में हम चाहते महाराज की बड़ी इच्छा थी हर गौड़ी मठ से सबको बुलाओ, मैं ही जाता बुलाने के लिए कहाँ कहाँ पर अच्छे अच्छे वक्ता चुन चुन कर बुलाने के लिए। किसी गौड़ी मठ से बड़ी कष्ट से आप लोगों ने देखे होंगे दो एक कोई बड़ी कष्ट से यहाँ पर आए कथा सुन कथा बोलने के लिए, हम मिलता नहीं कोई, लेकिन हमारे मंदिर में देखो आप लोग यहाँ पर जो आप लोग आए हो आज सवेरे सुन रहे थे कथा सुनने वाले, कल सवेरे कथा सुन रहे थे, परसों सुन रहे थे, हमारे मंदिर में इतने वक्ता हैं जो यहाँ पर एक एक साल दो दो साल आया, मैं देखा दो दो साल एक एक साल आया, पता नहीं गुरु जी की कृपा से, और हमारे विशेष करके श्री परमेश्वरी प्रभु का तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा परमेश्वरी प्रभु की है यहाँ पर। इसलिए एक जो एक साल जो रह जाता है ना यहाँ पर ना, इतने सुंदर हरि कथा आप लोग गौर को देख रहे थे ना, गौर कहाँ गया, इसलिए गौर कितना छोटा बच्चा वो भी सुंदर कितना सुंदर हरि कथा उन्होंने उपदेशामृत की कथा सुना,
इसलिए मैंने देखा 20-20, 40-50 साल रहते हुए भी जितने श्लोक सिद्धांत में प्रवेश नहीं, लेकिन हमारी महाराज की कृपा से उन्होंने जो सभी का हृदय में जो ये कण कण में जो समा दिया, इनकी आशीर्वाद से कहते महामहा जैसे नवद्वीप में कृपा, नवद्वीप में महाप्रभु का समय में छोटे छोटे जो बालक है, जो स्टूडेंट बड़े बड़े व्यक्ति को साथ में तर्क वितर्क करते थे, उसी तरह महाराज की कृपा से उन्होंने सबको उन्होंने क्या भावना भर दिया गुरु जी। इसलिए मैं जब मथुरा में आया वहां पर देखा, जैसे हर गौड़ीय मठ में हमने देखा, क्या देखा, अगर थोड़ी सी अगर कोई श्लोक याद करना शुरू कर दे, मैं तो सब देखा, सबको टांग पकड़ना शुरू कर देते, ये हमसे आगे नहीं बढ़ जाए। लेकिन केवल महाराज को पास में हमने ये चीज देखा, जो जितने सिद्धांत तत्व दर्शन भक्ति के ऊपर जितना जिसको प्रवेश हरि कथा में गुरुदेव को देखा, वो उसको उतना ही सम्मान उतना ही प्रेम देते थे और उतना उसने उत्साह देते थे उनके अंदर में, इतना उत्साह देते थे। तभी तो हम लोगों ने किसी ना किसी तरह से हम लोगों ने थोड़ी बहुत सीखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हर गौड़ीय मठ में हमें देखता था जैसे कीर्तन होता था, कीर्तन में जैसे नमामि स्वरम उसको गाते थे, लेकिन वैसे बोल करके, लेकिन कीर्तन रूप में कहीं नहीं सुना। लेकिन मथुरा में जब आया, अरे महाराज जब कार्तिक महीना में जैसे कोयल कूकती है, आप लोगों ने देखा है ना कितने सुंदर गुरु जी की गला, कितने सुंदर। अगर कोई कीर्तन सीखना चाहते थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे गौर नारायण के पास में जाओ, वही तुमको कीर्तन सिखाएगा, है गौर नारायण के पास में जाओ। क्या सुंदर उन्होंने ये नमामिश्वर कीर्तन को कितने सुंदर रूप में गाया करते थे। इसलिए जो पहला जो मृदंग है वो पहला मृदंग पूर्ण, दूसरा मृदंग जो बृहद मृदंग, बृहद मृदंग में इनकी उत्तरवासी हिंदी भाषियों के ऊपर में इनकी इतने कृपा है, हिंदी भाषियों के ऊपर में अथाह कृपा है। अगर हमारे गौड़ीय वैष्णव का जितने ग्रंथों को अगर कोई बंगला से हिंदी में अगर किसने ट्रांसलेशन किया, किसने किया है ट्रांसलेशन, हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने दिन रात लग करके, महाराज बोलते थे उनको कोई भी गुरु जी को कोई प्रश्न करो, जैसे विदेश में कहीं भी आप देखना हमें कोई अगर कहीं कठिन प्रश्न कर देना, हम अक्के चके बक्के क्या उत्तर देंगे, लेकिन महाराज को देखना कोई हिचकिट प्रश्न करने का साथ साथ ये उत्तर देते थे। महाराज बोले कैसे मैं उत्तर देता हूँ, बोले केवल ये जैव धर्म से, इसको मैंने 60 बार पढ़ करके मैंने इसको मैंने ट्रांसलेशन किया, गुरुदेव स्वयं कहते थे 60 बार पढ़ करके ट्रांसलेशन किया और दिन रात लग करके कितने सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशन किया है, केवल इतने हिंदी में नहीं, अभी संपूर्ण पृथ्वी में जितने भाषाएं हैं सारी भाषाओं में उन्होंने अभी सारे ग्रंथों की ट्रांसलेशन अभी सारा पृथ्वी में उपलब्ध, लेकिन किसी कृपा से, बोले महाराज की कृपा से। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, कहते जगत में सबसे बड़े दानी कौन है, भोली दादा ने कौन है, राधा रानी क्या कहती हैं, बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवन कभी भी रीतम कल्मषाकम् श्रावण मंगलम श्रीमदा ततम हो भी गृणन्ति ते भोरिदा जना। इसलिए गोपियां कहती है जगत में सबसे बड़ी दानी कौन है, जो भगवत कथा को दान करते तो सबसे बड़े दानी, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा दानी तो कथामृत को दान तो करते हैं, लेकिन इसी कथा को चिरस्थाई रूप में जो ये ग्रंथ रूप में जो प्रकाश करते हैं उससे भी बड़ा दानी कौन है, उससे बड़ा दानी कौन है, कहते ये बृहत मृदंग को जो स्थापन करते हैं। क्यों, वो ग्रंथ जहां तक तो पहुंचे किसी कोने में वो ग्रंथ को जो पढ़ते हैं उनको भी लाभदायी होता है, उससे भी श्रेष्ठ दानी। इसलिए गुरु जी की इसी विषय पर बहुत बड़ा दानी, और जो जीवंत मृदंग रूप में सर्वत्र महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मर गायक वे कीर्ति। एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में और शहर शहर में मेरे नाम गुंज उठेगा, अब सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गुरुपाद पद्म संपूर्ण पृथ्वी में जा जा करके कितना बार महाराज बात मार गए, चौथी से बार संपूर्ण पृथ्वी को। मुझे लगता है अभी तक तो किसी प्रचारक ने शायद 34 बार पृथ्वी को कहीं भ्रमण किया है, किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारे गुरुपाद पद्म ने 34 बार उन्हें संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करते हुए महाप्रभु का वाणी को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया। ये कोई साधारण बात नहीं। गुरु जी के अंदर में और एक विशेष चीज हम लोगों ने देखा, समझौता नाम का कोई चीज हमने नहीं देखा। समझौता समझते हो, जैसे कहीं हम लोग बहुत सारी जगह पर गए गुरु जी को साथ में, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया ना, कोई बड़े व्यक्ति, हम चुप होकर सुन लेते हैं। नहीं, हमने कभी हमारे राधा जो गोपीनाथ गौड़ी मठ कोई विग्रह स्थापन हो रहा था, किसी ने आ करके जो विग्रह का अनित्यता को स्थापन किया, जैसे उनका जो प्रमाण उनका जो फिलोसफी है, महाराज जी एकदम शेर जैसे बन गए महाराज जी। इतने उन्होंने अरूपवत ही तत् प्राधान्यत्वात् उन्होंने वेदांत सूत्र को उन्होंने उठा करके उसकी जो व्याख्या को उन्होंने जो किया ना, वो पंडित का सर नीचा हो गया। कभी मथुरा में सब जानते हैं, जब गोकुल में जाते थे करी हर साल तो लड़ाई होती थी उनको पंडित को साथ में, हर साल लड़ाई होती थी, क्योंकि गुरुदेव स्थापन करना चाहते थे। कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, जो व्यक्ति भागवत पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट उनको पूछो कृष्ण कहाँ पर, जितने भागवत वक्ता कहाँ पर बोलेंगे, मथुरा की भी पंडित लोग को सब एक स्वर बोलेंगे मथुरा में कृष्ण जन्म हुए। लेकिन हमारे गुरुपाद पद्म गोकुल में जाकर के दावा को साथ में कहते कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, मथुरा में प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुए। माधव महाराज बताए एक समय वहाँ पर जो विद्यालय है बड़े बड़े मनोहर लाल शास्त्री की, उनकी उनको ग्लोरिफिकेशन में सब बड़े बड़े पंडित वहाँ पर एकत्रित होते, क्यों जो बसंत लाल आया था इनका जो गुरु जी थे वो बड़े विद्वान थे, उनको सबके सब सम्मान दे रहे थे। वहीं पर गुरु जी किसी तरह वहाँ पर सब मथुरा के लोग थे, पंडित बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे, गुरुदेव किसी तरह से बोल दिए कृष्ण की जन्म मथुरा में नहीं, कृष्ण जन्म वृंदावन में। जितने पंडित सबके सब एकदम क्रोधित होकर, मथुरावासी है ना, हैं मथुरावासी सबके सब क्रोधित हो गए। फिर गुरुदेव ने फिर माइक लेकर गुरुदेव ने जो प्रमाण दिया ना, गुरुदेव ने बोले आप लोग लगता है भागवत पढ़े ही नहीं, भागवत है भाग में भागवत से, क्योंकि भागवत सर्व है जितने वैष्णव संप्रदाय एक स्वर में सबके सबके सब श्री बल्लभाचार्य की संप्रदाय में है, क्या उन्होंने भी टीका लिखे हैं, इसलिए सब भागवत को मानते हैं। गुरुदेव ने कितने श्लोकों को उदाहरण दिया, बोले देखो गोपी गीत का पहला श्लोक में देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राधा रानी गोपियाँ क्या कहती हैं, बोले जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयतये वीरा सास्वदत्रहि। बोले मैं कह रहा हूँ, बोले जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, वो कृष्ण ब्रज में ही जन्म हुए हैं। फिर जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का जन्म महोत्सव को वर्णना कर रहे हैं, पहला श्लोक देखो, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मामना है, इसलिए नंदस्तु आत्मज किसके बेटा है, कहते है नंद की बेटा, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोले जय कन्हैया, कहते किसका आनंद भयो है, बोले नंद के आनंद भयो है, है कि कौन सुखदेव गोस्वामी, जब गर्गाचार्य जी कृष्ण का नामकरण कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बोले तुम्हारा जो बेटा है ना, कहते हैं प्राग एवं वासुदेवस्य कोचित जात तबात्मज, ये बेटा किसका, बोले तबात्मज तुम्हारी बेटा, इसने कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, लेकिन बेटा नहीं, किसका बेटा किसका है, ये वसुदेव का, ये कृष्ण ये नंद का ही बेटा है, हैं, इसलिए कहते श्री ब्रह्मा जी वो तो गलत कभी बोलेंगे नहीं, इसलिए ब्रह्मा ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक को देखो, बोले नव मिड्डते अभ्र बपुसे तड़ितंबराय गुंजाब तंस परिपीछल सत मुकाय, वहां क्या कहते हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या कौन है, कृष्ण कहते पशु पांग जाय पशु मतलब पशु को जो पालना करते थे, बोले नंद बाबा पालते थे ना, वसुदेव पालते थे, बोले नंद बाबा उसको अंग से जो प्रकट हुआ ये कौन है, बोले कृष्ण है,
इसलिए गुरुदेव इतने श्लोकों को कोटस ने किया ना, वो अक्के बक्के चक्के हो गए। फिर कोई कोई पंडित ने बोल दिया, क्योंकि एक श्लोक को वो लेकर अक्सर करके स्थापन करते हैं। बोले कौन सा श्लोक को? बोले ये कुंती स्तुति कहते हैं, कुंती स्तुति। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, इसी श्लोक को लेकर ज्यादा वो तर्क वितर्क। बोले क्यों, यहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, ये वसुदेव का बेटा। लेकिन विश्वनाथ, फिर गुरुदेव ने बोले, बोले देखो इसकी व्याख्या सुनो, इसका सही व्याख्या किया है, तुम लोग गलत व्याख्या कर रहे हो। बोले क्या है? बोले कृष्णाय वासुदेवाय। बोले जो वासुदेव नाम है, कहते ये अष्ट वसु है, अष्ट वसु में जो मेन जो वसु है, जब श्री नंद बाबा जन्म हुए और जो मेन वसु ये नंदक बाबा में तदात्म होकर के मिल करके आए, इसलिए यहाँ पर जो वसुदेव शब्द है ये नंद बाबा को लक्ष्य। फिर देवकी की क्या बोलोगे? बोले दो नाम नहीं जसोदाया, जसोदा के दो नाम था, एक देवकी और एक जसोदा, इसलिए यहाँ पर जो बताया जो देवकी का नाम जो है वो जसोदा के लिए। बोले इसको क्लियर करते हैं, आप बोले तो आप तो खेचादानी करके अर्थ कर रहे हो, लेकिन फिर क्लियर करते हैं। बोले उसको बाद में कहते, बोले नंद गोप कुमार आयो, क्लियर करते हैं ये नंद गोप कुमार नंद का ही लाला। हे गुरुदेव इतना जोर से स्थापन किया, माता महाराज में एक गुणता किया ना, तो वो जोर बीच बीच जोर से ताली बजा लेते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच बीच में जोर जोर से ताली बजा दिया। ताली बजा कर जितने पंडित थे ना, सब पंडितों को मुख नीचे कर दिया, हे गुरुदेव की। इसलिए मथुरा में कोई भी, आप लोग देखोगे जो मथुरावासी, कोई भी फंक्शन हो, बड़े से बड़े फंक्शन हो, अगर किसको बुलाते थे, किसको बुलाया करते थे? बोले श्री गुरुपाद पद्म को उन्होंने बुलाया करते थे। इसलिए गुरुदेव की महिमा को देख करके, देखो ये ब्रजवासी को कोई होता है ना, बड़े से बड़े विद्वान आए, वो क्या कहते हैं? बोले जगत गुरु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है? हम है। कृष्ण का उच्चिष्ट विश्व ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन कृष्ण किसका उच्चिष्ट कहते हैं? हमारी उच्चिष्ट कहते हैं। ब्रजवासी कभी भी किसी को, जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, कभी भी उसको प्रशंसा सुन नहीं सुनोगे, लेकिन हमारी महाराज ऐसे के महान विभूति थे। जहाँ पर गुरुदेव को, वहाँ पर उन्होंने जुगाचार्य रूप में, कहाँ पर? बोले श्री ललिता गाँव में, और नारायण भट्ट वहीं पर, सारे ब्रजवासी मथुरा के और श्री बरसाना के नंदगांव के जितने बड़े बड़े विद्वान थे, सब के सब एकत्रित होकर के जुगाचार्य उपाधि गुरुपाद पद्म को प्रदान किया है। गुरुपाद पद्म को जुगाचार्य उन्होंने उपाधि किया वहां पर। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन गुरु जी के सचमुच से जो भजन प्रभाव ना, गुरु जी की एक अद्भुत भजन प्रभाव, लेकिन वहां पर भी थोड़ा गड़बड़ किया हुआ। वहां पर नंदगांव के कुछ थे, बरसाना के कुछ थे, जो नंदगांव के लोग कृष्ण को स्थापित करने वाले, और बरसाना के गोप्त राधा रानी को, लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये दोनों पंडित में थोड़ी थोड़ी तर्क वितर्क हुआ। जो नंदगांव के थे कृष्ण की महिमा और बरसाना के राधा रानी का महिमा, लास्ट में गुरुदेव ने बताए, लेकिन गुरुदेव तो राधा रानी गणे, ये रमणी मंजरी है, इसलिए तो उन्होंने राधा जी की महिमा को उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा बोल दिया। बोले सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो। अभी जो नंदगांव के थे ना, उनका तो सर नीचा हो गया। तब नंदगांव के पंडित बोले, महाराज जी आप बरसाना का, बरसाना वाली का पक्ष, आप बरसाना के पक्ष ले रहे हो? बोले भैया हम तो उनकी राधा रानी के पक्ष लेने वाले हैं, हम तो श्री राधा जी की पक्ष लेने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव की जो अद्भुत जो महिमा है ना, गुरुदेव की अद्भुत, इनके जन्म ऐश्वर्य जसुरत श्री भी अद्भुत है। गुरुदेव की इनका महिमा को हम तो इतने गुरुजी कथा जानता है, इतने गुरुजी कथा जानता हूँ। गुरुदेव का जो कि विश्व ब्रह्मांड में गुरुजी कितने महिमा क्यों है, कारण है, कहते आचार करने के वो ना करे प्रचार, और प्रचार करने के वो ना करे आचार। क्यों प्रचार करते तो आचरण नहीं करते, लेकिन कोई आचरण करते ना कोई प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत राज्य। लेकिन गुरु जी के अंदर में ये जो दो चीज है ना, कभी कभी तो हम बहुत बात बोलते हैं लेकिन आचरण समय में जीरो है, लेकिन गुरु जी के अंदर में वो चीज थी नहीं। गुरु जी के अंदर में वो चीज, जिन लोगों ने महाराज का सेवा किया, गुरुदेव 1,00,000 जब तक हरिनाम नहीं करेंगे, गुरुदेव नाश्ता नहीं लेते थे,
नाश्ता नहीं लेते थे। कभी प्रेमानंद गुरु आकर बोलते थे, गुरुदेव बाजार में जाएंगे, बोले जब तक 100,000 नाम पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए गुरुदेव एकदम 2-2.5 बजे उठ करके 9 बजे के अंदर में 100,000 नाम पूरी करेंगे, फिर जाकर कोई भोजन करेंगे, उसको बाद में दिन भर भजन करेंगे। इसलिए जो हम सुनते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला अवसान कृतो, जो 6 गोस्वामी का जो भजन पद्धति, गुरुदेव खुद बोल रहे थे एक बार, बोले मैंने गोस्वामियों ने जैसे जैसे भजन किया है मैंने कोशिश किया है, जैसे गोस्वामी का भजन, जैसे गिर कैसे गुरुदेव जहाँ गिरिधारी मंदिर वहाँ पर रह करके भी थोड़ी सी खिचड़ी खा करके माधुकर लेकर के रोज गिरिराज की परिक्रमा और सारे गोस्वामी ग्रंथ के अध्ययन और 2-2 लाख हरिनाम गुरुदेव करते थे। इसलिए आज गुरु जी की महिमा संपूर्ण दुनिया में, जैसे जिस समय नवद्वीप मठ में बैठे हुए थे कुछ भक्त लोग, केशव गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे, किसी ने आकर के बोला इतना बड़ा पड़ा हुआ खाली बगीचा आप इसमें फूल पौधा क्यों नहीं लगाते हो, बोले दिख नहीं रहे, फूल होते हैं ना, ये सब फूल है, बोले साधारण फूल का खुशबू कहाँ तक जाएगा, कब तक खिला रहेगा, 2 दिन बाद में मुरझा जाएगी थोड़ी दूर तक, लेकिन ये जो फूल बैठे हुए हैं इनका खुशबू एक दिन, क्यों कोशिश करते उनको हरी कथा उनको सिद्धांत को सिखा देने के लिए, भले इनकी जो खुशबू इनकी जो सौंदर्य माधुर्य एक दिन संपूर्ण विश्व में जाएगा। वहाँ पर श्री हमारे भक्ति वेतन नारायण गोस्वामी महाराज थे, जानते थे ये नारायण महाराज एक दिन ऐसे एक फूल खिलेगा जिसकी सौरभ सौंदर्य माधुर्य केवल भारत नहीं जिसको संपूर्ण पृथ्वी में भी जाएगा। इसलिए सबके सब आकृष्ट होकर आएंगे, उनको पता था क्योंकि शिष्य का हर चीज गुरुदेव को पता रहता है। इसलिए गुरुदेव जब विदेश में गए एक बार गुरुदेव बोल रहे थे, बोले यद्यपि गुरुदेव नित्य है, यद्यपि गुरुदेव नित्य है, अगर इसी समय अगर गुरुदेव रहते थे जितने विदेश से भक्त भारत से भक्त हजार हजार भक्त आए, महाराज कहते थे अगर गुरुदेव देखते थे प्रकट रूप में कितने खुश मेरे ऊपर नहीं होते थे, यद्यपि गुरुदेव नित्य है सब कुछ दर्शन कर रहे हैं। सचमुच से महाराज की जहाँ अवधान वैशिष्ट अद्भुत है, इसलिए महाराज हम सबको ऊपर में कृपा करें, हम सबको ऊपर में गुरुदेव आशीर्वाद करें, उनका जो आदर्श है हैं, हम इनको उदाहरण जैसे जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों को शिक्षा दिया, ये तीनों ने संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार किया, लेकिन इनका कोई भी शिष्य नहीं था, इनको कोई एक शिष्य नहीं था, लेकिन सबको उन्होंने बराबर रूप में देखे, इसलिए हमारे अंदर में ये गुण भी आए, सबको हम बराबर रूप में अगर देखेंगे गुरु जैसे, गुरु जी के पास में संपूर्ण विश्व आए क्यों, केवल इसी कारण से इनके अंदर मैं मेरा भावना नहीं था, सबको उन्होंने बराबर रूप में देखा, तभी गुरु जी के चरण में हम क्यों आए, अलग अलग शिष्य होकर क्यों सबके सब आए, कारण है इनके हृदय में अयम वेति पर वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित मनात वसुधैव कुटुंबकम, ये सबको एक समझते थे, मेरा मेरी नहीं करते थे, इसलिए सारा दुनिया आए। अगर हमारे अंदर में ये गुण आ जाए ना, विश्व ब्रह्मांड भी हमारे पास में विश्व ब्रह्मांड आ जाएंगे। इसलिए गुरुदेव हम सबको पर में यही आशीर्वाद करें, जैसे हम गुरु जी के आदर्श को लेकर के हरि भजन कर सके, इसलिए हम लोग ऊपर भी यही आशीर्वाद करें। वंचा कल्प दुर्भस्य कृपा सिंधु भैरव पतितानंग पावन भो वैष्णव भो नमो नमो। हरे कृष्ण। श्रीधर महाराज जी आज जो वक्तृता है लगता नहीं है कि रुक सकती है, और इन्होंने रोक दी बड़ी हिम्मत की। एक बात जो बताई गई कि गोकुल के पंडितों को लेके किस तरह से मथुरा के पंडितों को लेके मूर्धन्य ने गुरुदेव ने ये सिद्ध किया कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो रूप गोस्वामी जी का गुरुदेव ने ये 4 दिन का सभा बनाते थे, सारे ब्रज के मूर्धन्य लोग यहाँ आया करते थे और सब अपनी अपनी बातें बताते थे, ऐसा लगता था उनको अभिमान कि हम गौड़िया मठ में जाके बोल रहे हैं, लेकिन अंत में गुरुदेव 15-20 मिनट बोलते थे, और जिसे कहते हैं ना मात और शय, किसी ने अगर चेस खेली हो तो वो जानता है कि लास्ट बस लास्ट में मात और शय, सब लोग देखते रह जाते थे। गुरुदेव उन मूर्धन्य जितने भी पंडित लोग हैं उनको वास्तव में रूप भक्ति रूप गोस्वामी कौन है और रूपानुगा भक्ति क्या है वो शिक्षा दे देते थे।
और सब लोग यहाँ से जो है वो शिक्षा लिया करते थे। और हम लोग यहाँ बैठे होते थे ना, इतने लोगों को सुनते थे, लेकिन आस एक ही रहती थी कि अमृत कब मिलेगा, गुरुदेव कब बोलेंगे। घड़ी देखते रहते थे, समय खत्म हो रहा है, थोड़ा सा ही रह जाएगा गुरुदेव के बोलने का टाइम, इतना थोड़ा। पर वो थोड़े में ही जितना लोग बोल जाते थे उससे एकदम स्पेशल, उससे एकदम हटकर, उससे एकदम चमत्कारी रूप से बोलते थे। एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीस साल, अब तो कह रहे हैं 35 साल में 10 साल हटा दो, 25 साल तक गुरुदेव बोले और इतना सुंदर बोले। अब मैं कहाँ है राधानाथ, राधानाथ प्रभु आए हैं क्या? वाह वाह वाह, आ जाओ जी, राधानाथ प्रभु जी आ जाइए, नोएडा से राधानाथ प्रभु जी आ जाइए। वो बोलते जोर से बोलो क्योंकि वो जोर से सुनेंगे। आ जाइए, कहाँ है, कहाँ छिपे हुए हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। हमेशा झगड़ा होता था। आज भी अगर आप गोकुल में जाओ ना तो बोलते हैं ये गोड़िया वाले कहते हैं कि गोकुल में पैदा हुए हैं, हम भागवत के हिसाब से तो कहते हैं कि वो मथुरा में पैदा हुए, अभी भी वो यही कहते हैं। आइए, जब तक आते हैं आ गए जी, बैठेंगे गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाए तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अस्तोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, रूप अनुग गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, मंचासीन सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रील गुरुदेव की महिमा को हम लोग श्रील गुरुदेव के शताब्दी वर्ष में विशेष रूप से भक्तों की कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, परंतु यहाँ
आज विशेषकर श्रील गुरुदेव का ही सारा परिवार और परिवार के सदस्य लोग बैठे हुए, कुछ बातें हैं जो आजकल के परिवेश में बहुत तेजी से घटित हो रही है। और श्रील गुरुदेव की महिमा को और शिक्षा को तो हम लोग गायन कर रहे हैं, लेकिन श्रील गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं, जो आजकल घटना हो रही है, उन घटनाओं का श्रील गुरुदेव की शिक्षा से किसी प्रकार से दूर दूर तक किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, छीन झपट हो रही है। और छीन झपट देखी, शिष्यों को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, पैसा को लेकर के, लेकिन अब मठों को लेकर के जो छीन झपट हो रही है, श्रील गुरुदेव की ये शिक्षा नहीं। श्रील गुरुदेव तो प्राण दे करके श्री नवदीप धाम में उनके गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित मठ था उसमें प्राण दे करके सेवा किया, सब प्रकार से एक एक ईंट को, एक एक सीमेंट की बोरी को इकट्ठा करके और वहां सब कुछ बनाया। और जब सुना कि गुरुदेव के द्वारा जो पढ़ाए गए जो लोग हैं, वही लोग श्रील गुरुदेव का विरोध कर रहे, तो एक सेकंड भी वहां रुके बिना, किसी से झगड़ा किए बिना, सब ऐसा ही इसी रूप में छोड़ करके वो आ गए। क्यों? क्योंकि श्रील गुरुदेव की शिक्षा है, हम यहां मठ बनाने के लिए नहीं आए, हम यहां गुरु बनने के लिए उद्देश्य से नहीं आए, पैसा इकट्ठा करने नहीं आए, चेला इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, केवल एकमात्र श्रील गुरुदेव की जो शिक्षा है उसको सुन करके और उसमें आचरित कर, आचरण करने का प्रयास करके और उसमें प्रतिष्ठित होने के उद्देश्य से आए, और कोई दूसरा हमारा उद्देश्य नहीं है। जिसका विचार श्रील गुरुदेव की शिक्षाओं के विचार से मिलता है, उससे हमारी निकटता है, उससे हमारा संबंध है। जिसका आचरण, जिसका विचार, जिसका व्यवहार श्रील गुरुदेव की शिक्षाओं के विरुद्ध है, उससे हमारी वैचारिक दूरी है। हाँ, श्रील गुरुदेव ने कहा, पहली शिक्षा श्रील गुरुदेव की कि गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है। गुरु निष्ठा का अर्थ क्या है? गुरु निष्ठा साधारण रूप में जो गुरुदेव का विचार है, जो उनका आचार है, उसी में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना ही तो गुरु निष्ठा, और क्या नहीं क्या है? हाँ, एक शिष्य गुरुदेव के दूसरे शिष्य को गंदी गंदी गाली देकर के बात करते हैं। गालियां देने के लिए आए, गालियां खाने के लिए आए, या गालियां सुनने के लिए आए? गुरुदेव का क्या विचार था? गुरुदेव का विचार था, अगर कहीं ठीक ना लगे तो मुझे रोक दीजिएगा। गुरुदेव का विचार था कि जो लोग इस सांसारिक जगत में गाली दे रहे हैं और गाली खा रहे हैं, वो सांसारिक जगत के नपुंसक हैं, और जो लोग भक्तों को गाली दे रहे हैं और गाली खा रहे हैं भक्त लोग, और अन्य भक्त लोग खड़े होकर के देख रहे हैं और अनुमोदन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको आनंद उठा रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत के नपुंसक हैं। मैंने अच्छा शब्द व्यवहार किया, नपुंसक। गुरुदेव ने व्यास आसन से हिजड़ा शब्द कहकर के व्यवहार किया था। ये इसके लिए हम लोग नहीं आए, ये मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं। प्रार्थना स्वरूप मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं किसी को आदेश उपदेश दे सकूं, ये मेरा अधिकार नहीं। मैं सबसे श्रील गुरुदेव का सब लाइन में खड़े हुए शिष्यों में सबसे पीछे आने वाला, सबसे निकृष्ट, सबसे निम्न, सबसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति हूं, लेकिन प्रार्थना करना सबका अधिकार है। ये प्रार्थना का अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता, वही प्रार्थना स्वरूप मैं ये चीजों को कह रहा हूं। हाँ, श्रील गुरुदेव हमेशा शिक्षा देते थे, हमेशा शिक्षा देते थे कि ठीक है, बहुत हुआ ये रस विचार को सुना, ये
रसमयी कहानी कथाओं को आप लोगों ने सुना है, लेकिन साधन करना होगा। और हमेशा श्रील गुरुदेव दो ग्रंथों की ओर आकर्षित करते थे प्रारंभिक अवस्था में भी, श्री उपदेशामृत और मना शिक्षा। श्री उपदेशामृत का पहला शब्द क्या है? श्री उपदेशामृत का जो पहला शब्द है वाचो वेगम, जिह्वा का बोलने का वेग। हाँ, जो लोग अभी क्या नया चल गया, चार भक्त लोग वहां खड़े हैं तो दूसरे चार की निंदा कर रहे हैं, उनमें से तीन चला गया, कोई एक और आ गया तो और दूसरे भक्त की निंदा कर रहे हैं। श्रील गुरुदेव इस निंदा के बहुत विरोधी थे, बहुत विरोधी थे, बहुत विरोध किया श्रील गुरुदेव ने। श्रील गुरुदेव कहते थे कि सेवा नहीं है तो निंदा करोगे भक्तों की, आखिर को मंदिर में पहरा देना भी तो सेवा है। अर्थात जिनके जीवन में भक्ति का अभाव है, भजन का अभाव है, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग भक्तों की निंदा करते हैं। और फिर कोई निंदा कर रहा है, निंदा में अगर रस आ रहा है तो कोई बात नहीं। गुरुदेव कहते थे कि ऐसे व्यक्ति से हमारा विचार नहीं मिल रहा तो हम उससे वैचारिक दूरी करें। हाँ, और गुरुदेव की शिक्षा है कि ये जो आलोचक हैं, उन आलोचकों के शब्दों को जो भक्त लोग हैं वे अपने कानों में प्रवेश नहीं होने देते। हाँ, और निंदा सुन करके किसी भक्त को लोगों को भेज करके हम पिटवा देंगे, वो भक्त पिटेगा निर्दोष होते हुए, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा हुआ हमारे व्यक्ति को इसने निंदा किया, पिटाई हो गया, अब अच्छा हो गया, अब सुधर जाएगा। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये किसका विचार है? ये हमारा अपना विचार है, ये गुरुदेव का विचार नहीं है। गुरुदेव के विचारों के पीछे छिप करके हम लोग ये कार्य को करेंगे तो गुरुदेव के चरणों में सेवा नहीं, घोर अपराध को करेंगे। मेरी प्रार्थना है, ये गुरुदेव का सेंटेनियल शताब्दी वर्ष है, और इस शताब्दी वर्ष में, हाँ, हमने देखा, मेरा सौभाग्य रहा कि 1996 में श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के सेंटेनियल में भी मैं सेवा में करने का मेरे को अवसर मिला। उस समय के पहले इस्कॉन की भी बहुत बुरी हालत थी, लगभग ऐसे ही हालत थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शताब्दी वर्ष में वो कृपा हुई, और उस कृपा की ऐसी कृपा हुई कि भक्तों ने उस शताब्दी वर्ष को किया, और आपस में बैठ करके जितने भी मन मुटाव थे, लेकिन कैसे, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को केंद्र में रख करके अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी योजनाओं को केंद्र में रख करके नहीं, जब तक ये कपट नहीं रखा, हम हटाएंगे कि अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी योजना को केंद्र में रखेंगे और गुरुदेव को केंद्र में नहीं रखेंगे, तब तक ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हम कहते भी रहेंगे, आप लोग सुनते भी रहेंगे, क्या कारण है? गुरुदेव किसी को एक बात का बोला, जीवन में एक बात बोला, उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने निष्कपट होकर के केवल उसके मंगल के लिए ही वो बात को बोला। इसीलिए गुरुदेव की कृपा के साथ, भगवान की कृपा ने उसको क्या किया, उसके हृदय को स्पर्श किया, और लोग कहां कहां से क्या क्या छोड़ करके अपना जीवन श्रील गुरुदेव के चरणों में दे दिया। और आज हम 600 बार एक बात को दोहराते, गुरुदेव का नाम भी लेकर के दोहराते, लेकिन हृदय को स्पर्श करना तो दूर की बात है, वो बात कर्ण में, कानों में भी प्रवेश नहीं करते। ये सब प्रार्थनाओं के साथ ही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मुझे भी गुरुदेव के साथ आप भक्तों का ही आश्रय है, और मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नहीं, मैं भी कहां जाऊं, मैं भी किसको सुनूं, किससे बात करूं? खाया तो आपके साथ, सोए तो आपके साथ, जीवन तो आपके साथ व्यतीत किया, अब इस अवस्था में कहां जाएं? कहीं नहीं जा सकते, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन गुरुदेव के विचार को आप लोग केंद्र में रखेंगे, आप इतना अपना कद ऊंचा बढ़ा लेंगे कि गुरुदेव के विचार केंद्र में, गुरुदेव केंद्र में, तो हमारा माथा आपके चरणों में रहेगा। और आप गुरुदेव के विचारों को और गुरुदेव को हटा करके अगर अपने आप को और अपनी कामनाओं को बीच में रख करके, और ये जो अप सिद्धांत है इसको अगर आप स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो आमना सामना हो जाएगा, आंखों से
आंखें मिल जाएंगी। मेरी आप लोगों के सभी के भक्तों के चरणों में प्रार्थना है, हम लोग निष्कपट होकर के समय निकाल करके और केवल इसी उद्देश्य से अगर हमारे हृदय में वास्तव में गुरुदेव के चरणों में शब्दांजलि पुष्पांजलि इस शताब्दी वर्ष में देने की इच्छा है तो हम लोग गुरुदेव को केंद्र में स्थापित करके और जो गुरुदेव के विचार हैं उन विचारों के अनुसार ही, चाहे छोटा ही विचार हमारे हृदय को स्पर्श किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लोगों से हम लोग मठ मंदिर बनाते हैं, एक एक कमरा के नाम पर 4-4 लाख रुपया ले लेते हैं। तुम्हें ले लिया किस लिए कि तुम्हें हम जीवन में आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हें कमरा देंगे, और जीवन में जब आवश्यकता पड़ती है, कभी जीवन में नहीं पूछा, कभी आवश्यकता अगर पड़ी और बाहर रहने में जितना खर्चा हो रहा उतना खर्चा भी देने के लिए तैयार है, तब भी कहते हैं कि नहीं इतना खर्चा कम है, आपको और खर्चा देना पड़ेगा। आप लोग मेरे को क्षमा करें, आप लोग कथा रसमयी कथाओं का आनंद ले रहे थे, मैंने आकर के उसमें जैसे नमक जैसे डाल दिया है, लेकिन जब तक हम लोग श्रील गुरुदेव को केंद्र में स्थापित नहीं करके और अपने जीवन को गुरुदेव की शिक्षाओं के अनुसार हमारे जीवन में आचरण में नहीं आएगा तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे को शिक्षा उपदेश देने का। वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु भैया पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग दोनों गुरु भ्राता का सेंटेनियल शतवार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, उनका आपस का प्रेम, उनका आपस का आत्मीयता एक दूसरे के प्रति वो विलक्षण है, देखने सुनने लायक है। मुझे ध्यान पड़ता है सन तो याद नहीं आ रहा मुझको, 90 की बात की बात है और मेरे ख्याल 95 और 94 से पहले की बात होगी। मैं अभी मथुरा जाता था, खाली गुरुदेव को ही जानता था, अभी और बाकी ब्रह्मचारियों वगैरह को ज़्यादा नहीं जानता था। इसी समय बीच में एक बार कुछ बात श्रील भक्ति विदांत वामन गोस्वामी महाराज जी मथुरा में आए, मैं तो जानता भी नहीं था वो कौन है, और मैं पहुँच गया, मथुरा पहुँच गया। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और दोनों गुरु भ्राता बाहर। देखो मथुरा का मठ इतना सिंपल था, इतना सिंपल, हम इस कौन से जाते थे और रोज वो मठ को देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई घर की झोंपड़ी हो, लकड़ी की 2 कुर्सियाँ, उस पर दोनों बैठे हुए, सामने टेबल पड़ी हुई। अब विचार चल रहा था कि कौन बोलेगा, अब वहाँ पे मथुरा के लोग, दिल्ली के तो इतने लोग नहीं थे, और बहुत सारे लोग ये सुन के कि पूछवाद वामन महाराज जी आए हैं, वो लोग बैठे हुए थे। अब पूछवाद वामन महाराज जी नारायण महाराज जी को बोले, बोलो तुम बोलो, पता नारायण महाराज जी क्या बोले, मैं पानी में चूना और चून घोल घोल के दूध पिला रहा हूँ इन लोगों को, ये दूध मांगते हैं मेरे से, ये सारे के सारे बच्चे दूध मांगते हैं, मेरे पास दूध है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ चून और चूना को घोल घोल के इन लोगों को पिलाता हूँ और इनको शांत करता हूँ, आज दूध देने वाला आया है आप इन्हें दूध पिला दीजिए। इतने सुंदर रूप से आपस में नोक झोंक होती थी। हेलो, अब मैं संजय प्रभु से प्रार्थना करूंगा, कहाँ पे हैं वो संजय प्रभु जी, आ गए। कल हमारे संजय प्रभु ने बहुत सुंदर बोला और बसंत लाल चतुर्वेदी तो चाहते हैं कि उनके लिए एक पूरी की पूरी क्लास दे दी जाए जिसको वो सुने। जय
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे शिष्यमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाईर करी चरण वंदन जाहैते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में भी मैं अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श्व सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी शिल गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण करने वाले श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कहाँ से प्रारंभ करूं? अंतिम वाला भी इतना छोटा नहीं होगा विश्वास कीजिए। तो कहने की इच्छा तो कुछ और थी किंतु जो बातें सुनी उससे गुरु महाराज जी की एक बात स्मरण हो गई। गुरु महाराज जी को स्मरण होगा। गुरु महाराज जी 4-5 मास सुनने की बात है वो 4-5 मास प्रचार करके लौटे। नवदीप परिक्रमा से पहले जो प्रचार होता है ना संभवतः उस प्रचार से 4-5 मास प्रचार करके लौटे और उससे पहले गुरु महाराज जी मथुरा में बृहद भागवतामृतम का भक्ति रसायन पाठ कर रहे थे। तो जिन्होंने सुना होगा या जो सुनते होंगे अभी जो गुरु महाराज जी की कथा आती है तो उससे कुछ कुछ अनुभव होता होगा कि गुरु महाराज जी के चित्त की वृत्ति कैसी थी तो समझने की बात है। तो वो 4-5 मास प्रचार करके लौटे और आते ही उन्होंने मथुरा में बृहद भागवतामृतम ग्रंथ को उठाया। कहाँ से आरंभ किया? बृहद भागवतामृतम ग्रंथ को। और देखिए क्या कहते हैं, सारी बात का समाधान है ये। क्या कहते हैं गुरु महाराज जी? कहते 4-5 ठीक उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, यदि किसी को सुनने हो तो हमसे आकर पूछ ले, हमारे पास में लिखा हुआ है हम बतला देंगे कौन से दिन कौन से वर्ष में गुरु महाराज जी ने ये कथा कही, वो भक्त लोग भेज रहे हैं। तो ठीक गुरु जी के यही शब्द थे। गुरु महाराज जी कहते हैं 4-5 मास बाहर घूम करके आया, हमारा मन एकदम नीरस हो गया, एकदम नीरस, ऐसा लग रहा है भक्ति का कोई साधन ही नहीं हो रहा। अब समझना बात को, वो 4-5 मास कहाँ घूम करके आए? कहीं घूम करके आए? कोई जागतिक भ्रमण करके आए? वो तो प्रचार में थे, वहां पर भी कथा कीर्तन कर रहे थे, किंतु जब मथुरा में आए
तो उन्होंने बृहद भागवतामृतम ग्रंथ उठाया, उसमें भी भक्ति रसायन का पाठ करने लगे और कहते हैं 4-5 मास बाहर घूम करके आया, मन नीरस हो गया, एकदम नीरस, ऐसा लग रहा है भक्ति का कोई साधन ही नहीं हो रहा। तो मेरे मन में, गुरुजी कह रहे, तो मेरे मन में इच्छा हुई फिर से भक्ति रसायन का पाठ करूं, ये हृदय को बड़ा सरस बना देता है, ये गुरुजी के शब्द थे, मैं फिर से भक्ति रसायन का पाठ करूं ये हृदय को बड़ा सरस बना देता है, ये उनके चित्त की वृत्ति थी। इसी बात को समझना है, ये उनके चित्त की वृत्ति थी। सारा 4-5 मास प्रचार करके आए, प्रतिदिन हरि कथा कीर्तन करते थे, किंतु उनके चित्त की वृत्ति, उनके मन में सब समय क्या चल रहा है, वो भक्ति रसायन, ब्रज गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा। और आनंद की बात और बताऊं, फिर उन्होंने ब्रज भागवतामृतम की कथा कही, उसमें ब्रज गोपियों की महिमा, बहुत कुछ सुंदर सुंदर विषयों का वर्णन किया। और उसके पश्चात सुनना बात को, वो क्या कहते हैं, कथा के समाप्त करने पर गुरु महाराज जी कहते हैं, एक व्यक्ति बाण बना रहा था और बाण बनाते बनाते इतना आविष्ट हो गया बाण बनाने में कि उसके निकट से पूरी बारात चली गई, उसको अनुभव ही नहीं हुआ मेरे निकट में इतना शोर हो रहा है, इतना शब्द हो रहा, वो बाण बनाने में इतना आविष्ट था, ये गुरु जी कह रहे हैं। और कहकर गुरु महाराज जी कहते हैं, तो यदि किसी का मन, उन्होंने जो कथा कही थी ना सब ब्रज भागवतामृतम की, ब्रज गोपियों की, तो गुरु जी कहते हैं यदि किसी का मन इन लीलाओं में, इन कथाओं में रात दिन रमा रहता है ना, तो समझो उसका भक्ति का साधन हो रहा है। और फिर सुनना, कहते इसके नीचे सब घटिया है। समझ में आई बात, कहां उनके चित्त की वृत्ति है, कहां उनके चित्त की वृत्ति है, कहते इसके नीचे सब घटिया है। फिर कुछ सोच करके कहते हैं, है कुछ है, पूरा ठीक नहीं है। फिर क्या बात कह रहे हैं, सुनने की बात है, कहते जिसका सर्वोत्तम संस्कार है ना, वो सर्वोत्तम वस्तु को पाएगा, जिसका सर्वोत्तम संस्कार है वो सर्वोत्तम वस्तु को पाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं या जो कुछ भी है, क्या ये गुरुवर्गों ने नहीं देखी है, क्या ये गुरुजी ने नहीं देखी है, ये तो गुरुजी ने भी देखी है, तो परम गुरुजी ने भी देखी है, तो प्रभुपाद जी ने भी देखी, सबने तो देखी है, किंतु मूल बात ये है कि इन परिस्थितियों से वो कितना प्रभावित हुए, और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना उन्हीं परिस्थितियों के बीच में रह करके भी उन्होंने भजन का आदर्श दिखलाया, ये मूल बात है। अरे जागतिक जगत तो अपूर्ण है, सदा ही अपूर्ण रहेगा, यहां पूर्णता की आशा की जा सकती है, नहीं की जा सकती, यहां पूर्णता की आशा करना मूर्खता है। किंतु फिर भी उन गुरुवर्गों ने क्यों दिखलाए आदर्श कि इन सब असुविधाओं के बीच में भी रह करके भजन किया जा सकता है, भजन हो सकता है। ठीक है, हमारा अधिकार नहीं है इतना, हमारी आविष्टता नहीं है इतनी, किंतु समझना तो है, सीखना तो है गुरुवर्गों से, यही तो सीखने का क्षेत्र है, यही तो समझने का क्षेत्र है, यही तो माया परीक्षा लेगी नाना नाना प्रकार से, और यहीं पर ही हमारी परीक्षा हो जाएगी, हमारी चित्त वृत्ति कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हम गुरु के निकट में क्या वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की कौन सी संपत्ति को। हमारे श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक बात कही जिसके कारण उनके चरणों में हमारा हृदय बिक गया, जब गुरु जी प्रकट हुए तो हम महाराज जी के निकट में गए और महाराज जी के मुख से इस बात को सुना, महाराज जी कहते अपूर्ण जगत में, अभावग्रस्त जगत में सदा अभाव ही रहेगा। और महाराज जी उदाहरण देते थे, जहां पर पानी नहीं आता ना, जहां पर जल का अभाव है, वहां पानी का एक टैंकर आता है, उस एक टैंकर के लिए ही क्या होता है, जल के लिए कितना होता है ना, कितना कोलाहल हो रहा है, कितना मारामारी हो रही है। किंतु महाराज जी कहते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को कभी जल का अभाव होता है, समुद्र में से 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी भर लो, कोई आस पड़ोस में रहने वाला झगड़ा करेगा, नहीं करेगा। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर रूप में इस विषय को बतला दिया, गुरु की जो वास्तविक संपत्ति है वो क्या है, वो गुरु की पारमार्थिक संपत्ति, और वो अथात संपत्ति है, जो उसमें से जितना लेना चाहो ले लो, उसमें कभी कोई अभाव नहीं होगा, ना है ना हो सकता है। तो इसलिए बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कभी इधर उधर मन को वो नहीं करना, हम लोगों को तो चित्त को जैन केन प्रकार ने लगा करके रखना ही है ना, यही गुरुवर्गों ने आदर्श दिखलाया। तो बोलने की तो इच्छा कुछ और थी किंतु कुछ स्मरण हो गया, जो भी हो गुरु महाराज जी की महिमा हम लोग सुन रहे हैं और मन बड़ा प्रसन्न है, एक बात से बड़ा प्रसन्न है कि जो संचालन का कार्य हो रहा है ना वो बड़े सुंदर रूप में हो रहा है, क्योंकि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कम से कम और अधिक से अधिक की कोई बाधा नहीं रखी है, तो इसलिए जिसकी जितनी इच्छा है वो बोले जा रहा है, किंतु फिर भी समय की सीमा है। मैं बस एक दो बात और कह दूं, देखिए गुरु महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ में संध्या के समय में हरिकथा करते थे,
और बहुत सारे इस्कॉन के बड़े बड़े सब भक्त लोग, बहुत सारे विदेशी भक्त लोग भी गुरु महाराज जी की कथा श्रवण करने आया करते थे। तो संध्या के समय में गुरु महाराज जी हरि कथा कर रहे थे, और जो ये श्लोक लिखा है ना यहाँ पर, यत किंकरीषु बहुषा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, गुरु महाराज जी ने यहाँ से हरि कथा कहना आरंभ किया। ये जो श्लोक लिखा है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, तो गुरु महाराज जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है। गुरु जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है, ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं। 25 मार्च 1997 कथा है, वहां पर जाकर सुन सकते हैं जिनकी सुनने की इच्छा। तो गुरु जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है, हमको कृष्ण का दास नहीं होना है, हमको राधा जी की दासी की दासी की दासी होना है। क्यों? गुरु जी कहते क्यों होना है राधा जी की दासी की दासी की दासी? क्योंकि कृष्ण को भी जब कुंज में प्रवेश करना होता है तो कृष्ण राधा जी की दासी के निकट में जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हमारी भजन परिपाटी क्या है? हमारी भजन परिपाटी है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे तवे वास्मी ना जीवामी तोया बिना इति विज्ञाय देवी त्वम नय माम चरणांति के। ये हमारी भजन परिपाटी है, हम राधा जी के चरणों में क्या प्रार्थना करेंगे? इति विज्ञाय देवी त्वम नय माम चरणांति के। तो ये गुरु महाराज जी का, और फिर बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बतलाई उसके भीतर में, ये गुरु महाराज जी का स्वभजन है। गुरु महाराज जी कहते थे गुरु की कृपा की उपलब्धि करना ही भजन है, गुरु की कृपा की उपलब्धि करना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस कृपा की उपलब्धि कर रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनके ऊपर क्या कृपा की? वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत मा मन भीप सुमंदम कृपाम बुद्धिया पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तम आश्रयामी। ये गुरु महाराज जी ने श्लोक उच्चारण करके कहा इस विषय की उपलब्धि हो, मैं कहां पढ़ा था संसार में, किंतु गुरु पाद पद्म ने मुझको कहां से उठा करके किस वस्तु का अपायक, मैं पान नहीं करना चाहता था किंतु बलपूर्वक मुझको पान करा दिया। तो गुरु महाराज जी कहते गुरु की कृपा की उपलब्धि होना ही भजन है, इस बात की उपलब्धि होना चाहिए कि गुरु जी ने मेरा क्या मंगल किया, मेरा क्या उपकार किया। और गुरु महाराज जी अपने विषय में कह रहे हैं कितनी सुंदर बात, वो कहते हैं आज मैं, हम लोगों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं आज मैं इस बात की उपलब्धि कर रहा हूं, ये गुरु जी के शब्द हैं। कहते आज मैं इस बात की उपलब्धि कर रहा हूं कि किस बात की? गुरु जी कहते आज गुरु जी की कृपा से हमको एक लोभ जागृत हो गया है, ये गुरु जी के शब्द हैं। गुरु जी कहते आज हमको गुरु पाद पद्म की कृपा से एक लोभ जागृत हो गया। क्या लोभ जागृत हो गया? कि राधा जी की दासी हम हो सके। कब वो कृपा करके कर देंगे? और उसके बाद गुरु जी कहते हैं इन कथाओं को जिनको हम कह रहे हैं, गुरु महाराज जी कह रहे हैं इन कथाओं को जिनको हम कह रहे हैं उनको सुन करके एक नहीं हजारों लोगों के हृदय में इस बात का लोभ जग रहा है, हजारों लोगों के हृदय में। तो गुरु जी कहते हैं अनर्थ हैं, अपराध हैं, रहेंगे, किंतु लोभ तो जग रहा है। यही गुरु की कृपा है कि अंततः किसी ना किसी परिमाण में लोभ तो जग रहा है। तो यहाँ पर पुनः बार बार हमें एक विषय को सुनते हैं, अधिकार की बात आ जाती है ना, हम अनर्थग्रस्त जीव हैं, हमारा अधिकार नहीं है इन विषयों को कहने का हो या सुनने का हो। बात ठीक भी है, बात ठीक है, किंतु गुरु महाराज जी इस विषय में क्या कहते हैं? और केवल गुरु जी के साथ साथ श्री रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि गुरु जी के वचन रूप गोस्वामी जी के वचन से संपूर्ण रूप में अभिन्न है। रूप गोस्वामी जी ने उत्कल्लिका वल्लरी में एक श्लोक कहा है अथवा मम किम नु दूषणम बत वृंदावन चक्रवर्तिनो युव योर गुण माधुरी नवा जन्माद उतिया काना। श्री रूप गोस्वामी पाद जी उत्कल्लिका वल्लरी में बतला रहे हैं अथवा मम किम नु दूषणम बत, इसमें मेरा क्या दोष है? ये रूप गोस्वामी जी कह रहे इसमें मेरा क्या दोष है? मैं अनर्थग्रस्त हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, मुझमें बहुत सारे अपराध हैं, नाना प्रकार के दोषों से मैं दूषित हूं। किंतु रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को कि आपकी जो गुण माधुरी है ना, जब मैं उसको श्रवण करता हूं, जब मैं उसका दर्शन करता हूं, तो मेरे हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है आपकी वैसी सेवा करने का। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने टीका में बड़ी सुंदर बात कही इस विषय में, बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो वस्तु रम्यत्व हेतु गति भावा। स्पष्ट कर दिया बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने, सारे तर्कों को निरस्त कर दिया। रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो वस्तु रम्यत्व हेतु गति भावा। जो रमणीय वस्तु है ना, जो रमणीय वस्तु है उसके विषय में जब श्रवण किया जाएगा, जब उस वस्तु का कीर्तन किया जाएगा, तो रंक व्यक्ति के हृदय में भी लोभ जागृत हो सकता है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी लिख रहे हैं टीका में, रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो। रंक व्यक्ति जो अनर्थग्रस्त है, जो दरिद्र है, उसके हृदय में भी लोभ जागृत हो सकता है। तो गुरु महाराज जी कहते लोभ जागृत होगा कैसे? यदि वो सुनेगा ही नहीं इन विषयों को, यदि कहा ही नहीं जाएगा इन विषयों को कभी, तो लोभ कैसे जागृत होगा? गुरु महाराज जी उदाहरण देते थे, रुक्मणी को कैसे लोभ जागृत हो गया कृष्ण से हमारा विवाह होना चाहिए, दर्शन किया था कभी कृष्ण का?
श्रवण किया तो ब्राह्मणों से, मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनको कैसे लोभ जागृत होगा कृष्ण के प्रति, श्रवण किया तो गुरु महाराज जी कहते यदि इन विषयों को कहा ही नहीं जाएगा, यदि इन विषयों का कीर्तन ही नहीं होगा, लोभ कैसे जागृत होगा हृदय में, इच्छा कैसे जागृत होगी। ऐसे भी राधा कृष्ण की सेवा होती है, ऐसे भी महाप्रभु की सेवा होती है। तो गुरु महाराज जी कहते थे इसलिए हम इन विषयों का बार बार कीर्तन करते हैं, यदि कीर्तन नहीं करेंगे तब तो ये विषय लुप्त हो जाएंगे। और कहा उन्होंने इसी स्थान पर रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन करने से पहले गुरु महाराज जी आए एकादशी के दिन, और संध्या के समय में इसी मंच पर बैठकर गुरु महाराज जी कथा कह रहे हैं। और कथा कहते कहते गुरु जी क्या कहते, सुनने की बात, कहते मैं संपूर्ण विश्व में भ्रमण करता हूँ, संपूर्ण विश्व में, और प्रहलाद शिक्षा कहता हूँ, ध्रुव शिक्षा कहता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, किंतु गुरु महाराज जी कहते प्रहलाद शिक्षा ध्रुव शिक्षा कहते कहते भी मैं रागानुगा भक्ति रूपानुगा भक्ति की बात अवश्य कहता हूँ। कहते हमारे प्रचार का ढंग बड़ा निराला है, ये गुरुजी के शब्द थे, हमारे प्रचार का ढंग बड़ा निराला है, हम ध्रुव शिक्षा प्रहलाद शिक्षा के बीच में भी मैं रूपानु भक्ति की बातें अवश्य कहता हूँ कि कहीं ये जगत से लुप्त ना हो जाएं, है ना, कहीं ये जगत से लुप्त ना हो जाएं। तो हो सकता है हमारे बीच में से भी कोई अधिकारी हो, होगा कि नहीं होगा, जब हम ये कहते हमारा अधिकार नहीं है तो हमारा माने ये एक वचन है ना बहुवचन है, है? हमारा अधिकार जब हम कह रहे ये एक वचन है ना बहुवचन, मेरा अधिकार, मैं अपने अधिकार के विषय में बात करूंगा, हो सकता है इसी सभा में कोई अधिकारी व्यक्ति बैठा हो सकता है कि नहीं हो सकता, गुरु महाराज जी तो इसी बात को कहते थे बार बार, होगा कोई ना कोई अधिकारी व्यक्ति, यदि नहीं होगा तब तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, कोई ना कोई अधिकारी व्यक्ति तो होगा अवश्य ही। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे हो सकता है प्रणयी भक्त हमारे निकट में हो सकता है हम उनके साथ में प्रसाद पाते हो, उनके साथ में सब प्रकार का व्यवहार करते हो, किंतु हम उनको पहचान नहीं सकते, क्यों, के ताने जानीते पारे जदि ना जनाए, जब तक वो हमको जनाएंगे नहीं हम कैसे जान सकेंगे। तो हो सकता है कोई प्रणयी भक्त बीच में हमारे बीच में उपस्थित हो, किंतु जब तक नहीं जनाएगा हम कैसे जान लेंगे। तो अधिकारी हो सकते हैं, अधिकारी कभी नहीं होंगे ऐसा नहीं हो सकता, यदि अधिकारी नहीं होंगे पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी कहते थे इन विषयों का कीर्तन हो, क्यों नहीं हो, किंतु जैसा गुरुवर्ग ने बतला दिया, जैसा गुरु महाराज जी ने कह दिया, बस उन्हीं के ही विचारों को, उन्हीं के ही आदर्श का अनुकीर्तन। शिला प्रभुपाद जी कहते थे बद्ध जीव कीर्तन करने का अधिकारी नहीं है, अनुकीर्तन कर सकता है, तो अनुकीर्तन क्यों नहीं होगा। गुरु महाराज जी जिन विषयों का वर्णन करते तो उन विषयों का अनुकीर्तन करना यही तो कर्तव्य है ना। तो सुनते सुनते कहते कहते कभी ना कभी हृदय में लोभ होगा ना, कहते कहते सुनते सुनते ही तो हृदय में लोभ जागृत हो जाएगा, तो कहना भी है सुनना भी है। तो इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, सुनने को भी बहुत कुछ है। गुरु महाराज जी का जो विचार है, गुरु महाराज जी कहते हैं रूपानुगत्य किसको कहते हैं, कौन रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में है। रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि लिखा है, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो गुरु जी कहते हैं जो उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु इनमें जो उपदेश दिए गए हैं उनको यदि कोई पालन करता है तो वो वास्तव में रूपानुगत है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने स्वयं उत्तर दिया रूपानुग कौन है। रूप गोस्वामी जी जिस भाव से राधा जी की सेवा करते हैं, रूप गोस्वामी जी जिस भाव से महाप्रभु की सेवा करते हैं, जो उनके उन भावों में रचे पचे हुए हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने उत्कल्लिका वल्लरी में, चाटू पुष्पांजलि में, कार्पण्य पंजिका में, इन सब ग्रंथों में जो अपने भावों को बतलाया है, जो उनके उन भावों का अनुशीलन करते हैं, वो वास्तव में रूपानुग है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमको भी तो समय लगेगा ना उस परिस्थिति में पहुंचने के लिए, सबको समय लगता है। तो सभी एक ना एक दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, एक ना एक दिशा में सभी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जगत परीक्षा का क्षेत्र है, परीक्षा चलती रहेगी। बस गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी जिस भजन संपद को छोड़ गए हमारे लिए, है ना, गुरु महाराज जी जिस भजन संपद को छोड़ गए हमारे लिए, उनकी कृपा से, उनकी दया से उस भजन संपद के प्रति हमारे हृदय में लोभ आ जाए, उनकी वास्तविक संपत्ति के लिए हमारे हृदय में लोभ आ जाए, उनकी वास्तविक आदर्श को लेने के लिए हमारे प्रयास हो जाएं, इसमें ही हमारा मंगल हो जाएगा। उनकी जो ये स्वभजन विभजन लीला है ना, शिला प्रभुपाद जी ने कहा इस बात को, श्री गुरु की स्वभजन विभजन लीला की उपलब्धि हुए बिना कोई भी गुरु की कृपा का वास्तव अधिकारी नहीं हो सकता। जब तक गुरुपाद पद्म की स्वभजन विभजन लीला की हृदय में उपलब्धि नहीं होगी कोई भी गुरु कृपा का वास्तव अधिकारी नहीं हो सकता है। और गुरु की स्वभजन विभजन लीला क्या है, इसकी उपलब्धि करना ही हमारा साधन है। गुरु महाराज जी तो सब समय इस बात को कहते थे ना, क्या उनका स्वभजन था, क्या उनका स्वभजन था, कहीं से भी आरंभ करेंगे उनका चित्त। एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी मधुर बात, सुनने की बात। गुरु महाराज जी देवानंद गोड़िया मठ में संध्या के समय कथा कर रहे थे, और कथा करते करते वंदना कर रहे थे,
पहले भी इस बात को हमने कहा है, वंदना करते करते वो सुखदेव गोस्वामी जी की वंदना कर रहे थे, यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो। एक पंक्ति कही, दूसरी पंक्ति भूल गए। अच्छा भूले क्यों? तो महाराज जी सब लोग थे, सब स्मरण करा देते थे, तो भूल गए ना, तो सबने स्मरण करा दिया। तो गुरु महाराज जी जब श्लोक पूरा हो गया ना, तो थोड़ा सा किंचित सा मुस्कुराए और मुस्कुराकर हंसते हंसते कहते हैं, वंदना करते करते वृंदावन पहुंच गया। ये गुरु जी के शब्द हैं, हम तिथि बतला देंगे कौन सी तिथि में, जिनको सुनने की इच्छा हो सुन लेना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, वंदना करते करते वंदना भूल गया। क्यों भूल गया? कहते वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन की कुंज गलियों में खो गया और वंदना भूल गया। तो उनका चित्त कहाँ था? वो हमारे बीच होकर के भी हमारे बीच में है, वो हमारे बीच होकर के भी हमारे बीच में है। इसी बात को समझना है। परम गुरु महाराज ने लिखा है इसको, शिष्य का चित्त और गुरु का चित्त, उसमें जिस परिमाण में तफात है ना, तफात समझते हैं, जिस परिमाण में तफात माने उसमें दूरी है, डिफरेंस है, उतने ही परिमाण में हमारी सेवा की अनुपलब्धि है। सेवा की अनुपलब्धि, जब तक गुरु के चित्त को ही नहीं जाना, जब तक गुरु के हृदय को ही नहीं जाना, सेवा क्या करेंगे गुरु जी? यदि गुरु के हृदय की उपलब्धि नहीं है, गुरु के मन के भाव की उपलब्धि नहीं है, रूप गोस्वामी जी ने जान लिया ना कैसे महाप्रभु के मन में क्या है और उसको पूरा भी कर दिया। तो गुरु परम गुरु जी लिख रहे इस बात को, जब तक गुरु के हृदय के भाव, गुरु का आदर्श, गुरु की विचारधारा, इसकी उपलब्धि नहीं है, गुरु की सेवा होगी कैसे? कैसे होगी गुरु की सेवा? तो उनका चित्त कहाँ है, किस दशा में है, किस अवस्था में है, इसी बात को समझना और प्रयास करना उनके चरणों में भी, कि हमारा चित्त भी किसी ना किसी रूप में आपकी ओर आकर्षित हो जाए। एक समय मथुरा में कथा कर रहे थे और कथा करते करते बृहद भागवतामृतम का एक प्रसंग आया। बृहद भागवतामृतम में प्रसंग आया, जो सखा लोग है ना, उस सखा लोगों की महिमा बतला रहे थे, श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। तो वहां पर श्लोक में एक शब्द आया, सुनना बात को, श्लोक में एक शब्द आया मनोज्ञानी। मनोज्ञानी माने महाराज स्मरण होगा आप, श्लोक में एक शब्द आया मनोज्ञानी। तो गुरु महाराज जी वर्णन करते करते देखो कहां पहुंच गए और कहते हैं मनोज्ञानी का अर्थ क्या, ये गुरु जी कह रहे हैं मनोज्ञानी का अर्थ क्या है जानते हो? तो सब लोग सुन रहे हैं, गुरु जी सबसे पूछ रहे बतलाओ मनोज्ञानी क्या है, तो कोई नहीं बतला, किसी ने नहीं बतलाया, तो गुरु महाराज जी बतला रहे मनोज्ञानी का अर्थ क्या है। कृष्ण के सखा कृष्ण के मन को जानने वाले हैं। कैसे जानते हैं? तो कृष्ण मधुमंगल जी की गोद में सर रख करके लेटे, ये गुरु महाराज जी बतला रहे थे। और गुरु जी कहते हैं ऐसे सेवा होती है, जब तक चित्त एक नहीं होगा ना तब तक सेवा नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मधुमंगल के गोद में सर रख कर कृष्ण लेटे हैं और कृष्ण पूर्णिमा की रात्रि है, कृष्ण मन मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहे हैं, अरे सखा तुम किस बात का चिंतन कर रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं क्या बतलाऊं, किस बात का चिंतन कर रहा हूं, तुम क्या समझोगे मेरे मन की व्यथा? मधुमंगल कहते हैं तुमको बतलाने से पहले मुझको पता है। कृष्ण कहते हैं कैसे पता तुमको? मधुमंगल कह रहे हैं तुम क्या मुझको, हमको ऐसे ही समझ रहा है, हम ऐसे ही जनेऊ डाल करके घूम रहे हैं, तुम हमारी महिमा नहीं जानता है? तो कृष्ण कहते अच्छा तुम्हारी महिमा तो बतला दो, यदि तुमने बतला दिया मेरे मन में क्या है, यदि तुमने बतला दिया मेरे मन में क्या है तो मैं मान जाऊंगा कि तुम तपस्वी हो। लेटे लेटे कृष्ण के साथ में वार्तालाप हो रहा। तो मधुमंगल ने उत्तर दिया, सुनना, यद्यपि जब ये बातें कहते हैं ना मन में संकोच होता है क्योंकि बड़े उन्नत स्तर की बात है, किंतु गुरु महाराज जी की स्मृति हो गई, गुरु जी के शब्द थे मेरे नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, कृष्ण ने मधुमंगल से कहा यदि तुमने बतला दिया ना मेरे मन में क्या है तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि तुम ब्रज के श्रेष्ठ तपस्वी हो। तो मधुमंगल ने उत्तर दिया, दूर में ना, यहां से थोड़ी दूर में एक सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर, उसमें कमल के पुष्प खिल रहे हैं और उसमें एक सुंदर हंसनी विचरण कर रही है, तुम उसको पकड़ना चाहता है। कृष्ण लेटे थे, उठ करके बैठ गए और कहते तुमको कैसे पता चला, तुमको कैसे पता चला? अब समझ रहे हैं ना हंसनी कौन है, श्रीमती राधिका के विषय में कह रहे हैं। तो कृष्ण लेटे थे मधुमंगल की गोद में किंतु उठ करके बैठ गए और कहते तुमको कैसे पता चला? तो मधुमंगल कह रहे हैं तुम हमको ऐसे ही समझ रहा है, तुम हमको साधारण समझ रहा है, तुमको जानता नहीं हम कितने तपस्वी हैं, तुम्हारे मन की सब बातों को हम जानते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं इसको कहते हैं मनोज्ञानी। तो यदि ऐसा चित्त हो जाए गुरु के साथ में, मनोज्ञानी माने गुरु जी जैसी इच्छा करते हैं, गुरु जी की जैसी भावना है उस भावना को लेकर के वैसी सेवा कर देना, गुरु महाराज जी कहते तब होती है वास्तव सेवा। यदि गुरु के मन की भावना को रूप गोस्वामी जी ने जान लिया, तो दास गोस्वामी जी ने जान लिया, तो मन की भावना क्या है? तो यही साधन है हमारा,
यही हमारा साधन है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा इस बात को, गुरु महाराज जी ने कैसे सेवा की, पर शिला प्रभुपाद जी की अपने अपरकट होने से पहले शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने 7 दिसंबर 1936 को कोलकाता बाग बाजार मठ में एक बात कही, सुनने की बात है। शिला प्रभुपाद जी कहते ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है, ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है संपूर्ण जगत के लोग उससे अवगत हों, यही महाप्रभु का मनोविष्ट है। गुरु जी उस समय उपस्थित थे वहां पर, थे कि नहीं थे बतलाओ? 7 दिसंबर 1936 गुरु महाराज जी थे वहां हैं? प्रभु जी कह रहे नहीं थे, किंतु हमारा तो कहना थे। थे क्यों नहीं थे? वहां पर परम गुरु जी थे, दूसरे दूसरे उनके जो भी शिष्य लोग थे, उस परंपरा में वो धारा आई कि नहीं आई? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु के निकट में कभी रहे स्थूल रूप में? कभी तो नहीं रहे, किंतु वो महाप्रभु के निकट थे कि नहीं थे? तो गुरु महाराज जी ने जान लिया तो उस बात को, ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है, उन्होंने किया ना संपूर्ण जगत में इस बात का प्रचार, ब्रजवन की कृष्ण कथा का, किया कि नहीं किया? और एक बात प्रभुपाद जी ने कही, सुनने की बात है, प्रभुपाद जी ने कहा और समझने की बात है, गुरु जी के प्रचार का भी क्या वैशिष्ट्य था। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं परकिया भावे अति रसेर उल्लास, श्री कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है ना ये संभवत है, परकिया भावे अति रसेर उल्लास। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण नीतिवादी लोग इसमें नीति का अभाव देखते हैं, समझ में आ रही बात? परकिया भावे अति रसेर उल्लास, साधारण नीतिवादी लोग इसमें नीति का भाव देखते हैं, किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते यही मुक्त पुरुषों का एकमात्र आलोच्य विषय है। साधारण जगत के नीतिवादी लोग तो इसमें नीति का भाव देखेंगे, परकिया भाव में कैसे रस का उल्लास है, किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते यही मुक्त पुरुषों का एकमात्र आलोच्य विषय है। तो सारा जीवन इन महापुरुष ने, गुरु महाराज जी ने इसी वस्तु की आलोचना की है, इसी वस्तु का, और इसकी आलोचना करना, जैसा कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की टीका में वो कह रहे हैं, किस लिए आलोचना की है? रम्य वस्तु निरंकस्य लोभो वस्तु रम्यत्व हेतु की भावा, हम जैसे दरिद्र, मेरे जैसे दरिद्र हैं, मेरे जैसे जो रंक लोग हैं जिनका कोई सुकृति संस्कार नहीं है, वो भी सुनने के अधिकारी हैं यदि गुरु पाद पद्म जैसे मुक्त महापुरुष इन विषयों का कीर्तन करेंगे। तो इसलिए जगत के बहुत सारे लोग, हम सुन रहे थे 2-3 दिन से इस बात को, लोग कहते हैं ना कि ये विषय कीर्तन करने के नहीं है, ऐसा है ऐसा ऐसा है? तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु तो स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को, किंतु समझेगा कौन? महाप्रभु जी पूर्व बंग में गए और वहां से लौट करके आए हैं, तो एक समय क्या हुआ, गोपी गोपी जप रहे थे ना, तो उनका एक छात्र था पढ़ुआ, वो महाप्रभु के निकट आकर महाप्रभु से कहता गोपी गोपी क्यों जप रहे हो, अरे कृष्ण कृष्ण जपो। तो पढ़ता महाप्रभु के निकट में प्रतिदिन है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? महाप्रभु उसको पढ़ाते हैं प्रतिदिन, महाप्रभु के निकट में बैठना उठना होता है, किंतु महाप्रभु के मन के भाव को समझ सके नहीं? समझ सके नहीं? समझ सके महाप्रभु के मन के भाव को, किस भाव में आविष्ट हैं? तो उस बात को समझने के लिए कि गुरुपाद पद्म किस विषय का कीर्तन कर रहे हैं, गुरुपाद पद्म का अवदान क्या है, उसको समझने के लिए भी कुछ अधिकार चाहिए। यदि अधिकार नहीं है तब तो यही कहा जाएगा ये सुनने के कहने के विषय नहीं है। अरे सुनने कहने का विषय हमारे लिए नहीं होगा, उनको भी कोई बाधा है, उनको भी कोई बाधा हो सकती है सुनने कहने के लिए। सुखदेव गोस्वामी जी जिस सभा में इन सब विषयों का कीर्तन कर रहे हैं वहां सभी अधिकारी बैठे हैं या कुछ अनाधिकारी भी होंगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उससे जगत का मंगल हुआ ना मंगल हुआ? तो गुरुपाद पद्म जैसे महापुरुष जो उस जगत से इस जगत में आए हैं, वो इस विषय का जब जहां जिस अवस्था में कीर्तन करें उससे जगत का मंगल ही होगा, अमंगल कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ सारी बातें भी थी, किंतु जैसा विषय चल पड़ा, जैसी चर्चा चल पड़ी, जो भी हो गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप जिस भजन आदर्श को छोड़ गए हैं, जो आपका भजन आदर्श है उसमें जिस किसी प्रकार से भी हमारे मन की वृत्ति उस ओर आकर्षित हो जाए, आपकी उस पारमार्थिक संपदा की ओर, आपके उस भजन आदर्श रूपी संपदा की ओर हमारी वृत्ति, हमारा लोभ, हमारे मन की तृष्णा जागृत हो जाए, यही आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना, कोटि कोटि नमन। गौर प्रेमानंद। विचार कैसे आता है क्योंकि इसका भी एक कारण है। देखो संजय प्रभु के अंदर में विशेष गुण है, अगर कोई वैष्णव बीमार पड़ते हैं पड़ जाते हैं, ये संजय प्रभु जी क्या करते हैं, किसको बोलते नहीं, अपना हाथों से पैसा खर्चा करके, उनको जो पैसा इधर उधर मिलता है सारे पैसा को खर्चा करके वैष्णव की सेवा करते हैं। हैं मेरे हमारे गुरु जी के मठ में सन्यासी किसी कहीं भी कोई वैष्णव कोई बीमारी में पड़ जाए, फिर संजय प्रभु जी
इनकी बड़ी सेवा करते, तन मन धन से उनको डॉक्टर के पास में ले जाना, ले आना, उनको पास में रहना, बहुत ये वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए ये वैष्णव की सेवा करने का वजह से क्या होता है, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय में ही गोविंद का विश्राम है, इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाते, सब कुछ हो जाए। इसलिए इनके हृदय में ये छोटी छोटी जो बात है, छोटी छोटी मतलब ये जो तत्व सिद्धांत गुरु जी का जो हृदय की भावना है, ये बात को समझना कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है ये विषय में रुचि होना। और सचमुच से जब ये कथा को हम नहीं सुनेंगे तब फिर हम प्राप्त करने के लिए इच्छा कैसे जगेगा, जगेगा नहीं। एक समय गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे, जब एक समय त्रिविक्रम महाराज को साथ में गुरु जी को लड़ाई हो गई, बस त्रिविक्रम महाराज कृष्ण पक्ष और गुरुदेव राधा जी की पक्ष, त्रिविक्रम महाराज हर समय एक ही बात, क्या मिल जाएगा, बोलने पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, देखो एक राजकुमारी को देख करके एक रोड का भिखारी इसकी भांगी, इसकी मन में भी तो इच्छा हो सकती है शादी करने के लिए, कलकत्ता में, कलकत्ता में, हाँ, इसलिए उसका तो भी इच्छा हो सकती है। इसलिए ये इच्छा ऐसे लोभ ऐसे की चीज है ना, हाँ, इसलिए ये जो लोभ है ना, ये लोभ एक बहुत बड़ी चीज है। सचमुच से बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो बात बताई गुरुवर्गो ने, ये बहुत रहस्य की बात है। इसलिए सचमुच से गुरुदेव हम सबको प्रेम कृपा करें, जैसे ये वस्तु तो हमारे हृदय में कभी ना कभी हृदय के उपलब्ध विषय हो। हम तो चाह रहे थे और बहुत सारे भक्त लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन समय नहीं, शाम सवेरे भी बहुत सारे भक्त लोगों का नाम बाकी रह गया था और उनके लिए भी समय नहीं मिला, लेकिन कल हम सवेरे मंगल आरती को बाद में हम यहाँ पर 6:30 बजे यहाँ कीर्तन करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक, और 7 से लेकर के जितना लंबा हो सकता है श्री बलदेव प्रभु का तत्व और गुरु जी के तत्व गोबर में, दोनों तत्व गोबर में कल अच्छे तरह से हम लोग विवेचना करेंगे। जिन लोगों को चांस नहीं मिली है हम कोशिश करेंगे उन लोगों को भी चांस देने के लिए, आज बहुत समय हो गया, इसलिए ललिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और कल 12 बजे यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु का जन्म है, उनका अभिषेक होगी, इसलिए आप लोग कृपा करके सब से पधारना और अभिषेक और प्रसाद सेवा करना, ठीक है। बोले श्री गुरुपाद पद्म की नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, नित्यलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की, सपरिकर गौर हरि की, सपरिकर प्रभुपाद की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ आरती करो पुजारी जी, आरती शुरू कर दो।